188 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं और मैसेज का आज की मीटिंग का जो पहला पार्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इंसान कोई मीटिंग लेता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले कहने की कोशिश करता है। तो एक दो मिनट और रुक जाते हैं और इतनी देर में आप अपने ग्रुप में लिंक शेयर करके एक बार इनवाइट भेज दीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं और आपके साथ जर्नी शेयर करनी है 2 साल की, तो इसीलिए स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से अपने ग्रुप को इनवाइट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप में से कोई आज पहली बार ज्वाइन किया है तो अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, अभी तक तो हम कहते थे कि भाई हमारे जितने एटॉमी मेंबर्स हैं, लेकिन अब हमें प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी काम करना है। तो अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट भी है उसे भी जरूर इन्वाइट कीजिए मीटिंग में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग डायरेक्टली मैसेज लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिमांशु जी, सोमेश जी, गुड इवनिंग। दीप्ति जावर जी, गुड इवनिंग। मैम राम चौधरी जी, गुड इवनिंग। जी जी जी, मीटिंग 200 क्रॉस हो गई है। ठीक है रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मीटिंग स्टार्ट की। सो एक सेकंड, मैं अपने मेल लीडर्स को आज देख लेता हूँ। चार मिनट सर, हम लोग 2:10 में, हम लोग 8:10 में हम लोग शुरू करते हैं सर। हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुछ लोग मेरे को फोन किए थे कि अभी रास्ते में थे, तो रिक्वेस्ट किए कि सर थोड़ा सा 2-4 मिनट थोड़ा सा विलंब होगा जुड़ने में, तो रिक्वेस्ट करूंगा सर कि थोड़ा 2-4 मिनट और रुक लेते हैं सर। रुक जाते हैं और कुछ लोगों को अगर ऑर्डर भी लगाना होगा वेबसाइट से, है ना, तो आप लोग ऑर्डर लगा लीजिए, पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, अच्छा मैंने अपना वीडियो ऑन रखा है, आप लोग चाहें तो आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका डेटा ही सेव होगा। कोई इशू नहीं, बढ़िया सर, अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर आज आप, वाइट वाइट। जी जी, थैंक यू। अनिल बिंद जी दिख रहे हैं, शायद फौज में है। यूनिफॉर्म में है अनिल बिंद जी, आप वीडियो में देख सकते हैं। वेलकम अनिल बिंद जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार अनिल बिंद जी, पूरे फौजी सैल्यूट है सर जी, इंडियन आर्मी। ऐसे ही मुस्कुराते रहे सर। तपन जाना जी, जी रितेश जी, तब तक मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन और तब तक 2 मिनट हो भी जाएगा। जी 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 जी, तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को और एटॉमी के सभी सभी मेरे भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार, वेलकम। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम विकास पाठक है, बिलोंग मैं करता हूं सुल्तानपुर यूपी। अच्छा रितेश जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना, क्योंकि मैंने हेडफोन नहीं यूज किया है, अगर ऐसी सही है तो मैं आई विल कंटिन्यू विद दिस। बिल्कुल परफेक्ट है सर, परफेक्ट, कंटिन्यू सर। जी, तो मैं बिलोंग करता हूँ सुल्तानपुर यूपी से, फिलहाल मैं 10 साल से हैदराबाद में रह रहा हूँ और हैदराबाद में रहने का रीज़न ये है कि मैंने अपनी MBA हैदराबाद से की 2010 में और पिछले 10 साल से मैं बैंक में जॉब कर रहा था। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया है और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स ऑल क्रेडिट टू एटॉमी, एटॉमी की वजह से ही मैंने रिजाइन किया है, है ना। तो मेरा 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस में था, तो मैंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट मैनेजर और फिर प्रमोशन लिया, मैनेजर हुआ, फिर सीनियर मैनेजर और गवर्नमेंट बैंक्स में चीफ मैनेजर कहते हैं, प्राइवेट बैंक्स में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की ग्रेड से मैंने रिजाइन किया और अभी फुल टाइम पूरे दिलो जान से मैं एटॉमी में वर्क कर रहा हूँ। तो ये तो था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसके साथ मैं मेरे अपलाइन सुनील जून जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
है ना, उन्होंने मुझे अटोमी जैसी अपॉर्चुनिटी से मिलाया। और मैं सबसे सीनियर अपलाइन संजय मेश्राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम सब लोग, इनफैक्ट 70% ऑफ इंडिया आज संजय मेश्राम सर के नीचे है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जून जी से लेके संजय मेश्राम तक, सारे अपलाइन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर मेरे ज्वाइन करने के पहले अगर वे इस बिजनेस में नहीं टिके होते तो शायद मुझे भी यह मौका नहीं मिलता। तो मेरी ज्वाइनिंग दोस्तों एटोमी में 23 नवंबर 2018, आज 12 तारीख है, 23 नवंबर 2018, आप समझ सकते हो कि ठीक 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। और उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तो इट वॉज बाई चांस कि सुनील जून जी ने मुझसे पूछा कि सर क्या चल रहा है आजकल, मैंने कहा जॉब चल रही है, उन्होंने कहा एक कंपनी इंडिया में आने वाली है, और मैंने उनको कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हुए अपनी मदर के नाम पे डॉक्यूमेंट भेजा। तो मैंने ग्रुप में जो आईडी कार्ड भी शेयर किया वो मेरी मदर का था, और ऐसा नहीं मैं अपना डॉक्यूमेंट जानबूझ के नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं था कि एटोमी इंडिया में अभी अभी कुछ हिसाब किताब ही नहीं था उस समय, 2018 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने मदर का डॉक्यूमेंट भेज दिया, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, सुनील जी ने समझाना शुरू किया, और हम तो ठहरे बैंकर तो पहले डॉक्यूमेंट देखेंगे, एटोमी का तो डॉक्यूमेंट ही नहीं था एमसीए में। तो अब आप समझिए कि ये जर्नी जो 2 साल की थी इतनी ट्रिमेंडस, इतनी अमेजिंग थी, इतना गजब का एक्सपीरियंस था। मैं बता रहा हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स मेरे बैंकिंग का करियर और 2 साल मेरे एटोमी का करियर, आपको बताऊं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी सैलरी स्लिप देखी होगी, तो जो आखिरी सैलरी मैंने टैक्स कटने के बाद ली थी वो शायद मेरे ख्याल से 1,28,000 के आसपास मैंने सैलरी ली थी। और कल यानी 11 नवंबर 2020 फर्स्ट डे जो मेरी रैंक क्वालिफाई हुई वो है सेल्स मास्टर, और मेरे फर्स्ट डे की इनकम, मेरे 10 साल नौकरी करने के बाद छोड़ने की इनकम, जब रिजाइन किया था लास्ट मंथ की जो सैलरी थी, और कल एक दिन की सैलरी, उससे ज्यादा, मतलब एटोमी की इनकम सैलरी से ज्यादा आने वाली है। तो आप समझिए कि अनइमेजिनेबल, एकदम मैजिकल बिजनेस है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग समझ रहे होंगे, आप मेरी प्रोफाइल समझिए, अगर मैं फुल टाइम जॉब में था तो कोई मैं पेशेवर नेटवर्कर नहीं है, है ना, कोई मैं पेशेवर डायरेक्ट सेलर नहीं। मैंने भी इस बिजनेस को धीरे धीरे सीखा, अब लोगों के एक्सपीरियंस जो हमारी टीम में थे उनके एक्सपीरियंस से सीखा। तो अभी हमारे बहुत सारे साथी जुड़ गए, एक बार देख लो कि 325 लोग हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं एटोमी के बारे में मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, और ये आज के दिन बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत आपको समझ में आएगी ये कहानी। तो दोस्तों होता क्या है कि एटोमी के बारे में तो आपने बड़ा कुछ सुना, अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये था, मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे लिख के देने की बात कही, कहा कि सर मैं आपको लिख के दे दूं कि एटोमी कंपनी इंडिया में लॉन्च ही नहीं होगी, है ना, ये उनका कहना था। अब मैं बताऊं, जब मैं बैंक में था तो मैं जिस प्रोफाइल में काम करता था वो था स्टार्टअप, 10 करोड़ के ऊपर का लोन और स्टार्टअप देखता था। तो स्टार्टअप में एक डॉक्यूमेंट होता है जो मैं, मेरे सामने आता था, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई कंपनी फॉरेन की इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो उसे चाहिए होता है FDI डॉक्यूमेंट, FDI क्लियरेंस मिलता है गवर्नमेंट से। एटोमी के MD हमारे भारत के कप्तान डॉक्टर शेख इम्तियाज अली सर से मेरी मुलाकात 27 फरवरी 2019 को हुई थी, और उस मीटिंग में जिस बात ने मुझे क्लिक किया था कि एटोमी क्यों इंडिया में लॉन्च होगी, सक्सेस होगी मैं नहीं जानता था, पहले बताऊंगा क्यों लॉन्च होगी, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था आज के 1.5 साल पहले कि ये लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्यों लॉन्च होगी, क्योंकि FDI का क्लियरेंस एटोमी को मिल चुका था, वो चीज मैंने वहां पे उनसे समझ लिया था, है ना। तो अब आपको जो कहानी मैं सुनाने वाला था वैसा है दोस्तों कि दो दोस्त है, है ना, और दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में किया क्या जाए, है ना, उनको समझ में आया तो दोनों बेचारे एक सिग्नल पे बैठे हुए सोच रहे थे कि आगे करना क्या है। जैसे बहुत बहुत बार हमारे जीवन में स्थिति आती है कि आगे क्या किया जाए, क्लूलेस फील करते हैं, वो दोनों बैठे इंतजार कर रहे थे। तब तक वहां पे एक मर्सिडीज कार चमचमाती व्हाइट कलर की आती है, खड़ी होती है सिग्नल पे, रेड था सिग्नल, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था।
उसने देखा कि भाई दो लोग ऐसे ही बैठे हुए बड़े चिंतन में हैं। बुलाया उन्होंने कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग बैठे? बोले सर सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। तो उस व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि यार एक काम करो, तुम लोग मुझे ठीक इंसान दिखाई देते हो, मैं तुमको कुछ पैसे देता हूं और इस पैसे को लेना और जो बिजनेस मैं कह रहा हूं आप वही बिजनेस करना। तो उन्होंने पैसे दिए, कहा कि ये लो 40,000 रुपए और आप लोग दोनों भैंस खरीद के लाना। क्या खरीद के लाना? भैंस खरीद के लाना, उस भैंस की देखभाल करना, अच्छे से पालन पोषण करना और उस भैंस से दूध निकालना और दूध को बाजार में बेचना और उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे को उड़ा के खत्म मत करना, उस पैसे से दूसरी भैंस लाना, तीसरी भैंस लाना और इसी तरीके से दूध के व्यापार से मिठाई का व्यापार करना, है ना। ने कहा कि दूध के व्यापार से बिजनेस को स्केल करना होता है, तो आप मिठाई का व्यापार करना। हुआ वहां से कहानी खत्म, वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अब कई साल बीत जाते हैं, दोबारा वापस पिक्चर में वही सिग्नल और वहां पे दो दोस्त नहीं थे इस बार, उस बार एक ही व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था सिग्नल पे और वो बिजनेसमैन फिर वहां से जा रहा होता है। उसने देखा अरे ये व्यक्ति तो फिर कई सालों बाद वहीं बैठा हुआ है। तो उसने बुलाया कि भाई तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? उसने कहा कि सर वो तो बड़ा अच्छा काम चलने लगा, उसका तो दूध का व्यापार, फिर उसने मिठाई की दुकान भी खोल ली, बहुत बढ़िया। उसने कहा और तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या किया? बोला साहब आपने जो पैसे दिए थे मुझे भैंस खरीदने के, उसको मैं घर पे ले गया और मेरी बीवी ने कहा कि भैंस मत खरीदो, अगर भैंस खरीद के लाए और कल को भैंस अगर मर जाएगी तो ना तो दूध निकलेगा और ना तो कभी फ्यूचर में मिठाई की दुकान खुलेगी। तो उन्होंने क्या किया, उस 40,000 रुपए को वहीं खत्म कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे था कि अगर क्वेश्चन ये है, कहानी ये थी कि अगर भैंस मर जाती तो क्या होता, और अगर भैंस बच गई तो एक दोस्त की तो भैंस ख्यालों में मर रही थी, उसने पैसे बर्बाद कर दिए, और दूसरे दोस्त ने वही किया जो उसे कहा गया था। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि अगर एटॉमी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई तो, है ना, अगर नहीं हुई तो, लेकिन अब 1.5 साल तो हो गए, कल लॉन्च हो गई और एटॉमी का लोगों ने बहुत तहे दिल से स्वागत किया, उतने उतार चढ़ाव के बाद भी एटॉमी इंडिया में आ गई। तो अगर के चक्कर में मत पड़िए, है ना, अगर और मगर करने में केवल एक ही चीज होता है, जानते क्या, नुकसान। अब तो चलो ये तो कहानी हो गई, अब तो फाइनली लॉन्च हो गई, है ना। अब इस बिजनेस में हमें आप लोगों की बात करनी कि आप लोग इस बिजनेस में, कई सारे लोग तो खुशी खुशी आए हो, कई सारे लोग तो गलती से ज्वाइन कर लिए और कई सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जबरदस्ती लिया गया होगा, लेकिन जो भी हुआ, चाहे आप खुद से अपॉर्चुनिटी समझ के आए, आप विजनरी थे अगर आपने अपॉर्चुनिटी समझी, या आपको जबरदस्ती लाया किसी ने कि यार आईडी लगाओ तुम इसमें, है ना, या तो आप समझिए कि आप जिस तरह से लाए गए लेकिन आप ऐसे सिस्टम में आ गए हो कि आपने आए तो लेकिन आपने कुछ अभी तक लगाया नहीं, एक रुपए भी आपने इस बिजनेस में लगाया नहीं है, है ना। अब आप समझिए यहाँ पे दोस्तों कि ये बिजनेस आपको क्या डिमांड कर रहा है, ये बिजनेस आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं डिमांड कर रहा है, पैसे नहीं चाहिए इस बिजनेस में, पहली एक चीज चाहिए आपकी नियत, आपका एटीट्यूड, है ना, और दूसरी चीज चाहिए कि आपके अंदर एक विजन हो। विजन ये समझो एक शब्द है दूरदर्शन, हम लोग बचपन से सुनने आए हैं लेकिन हमको किसी ने इसका मतलब नहीं समझाया कि दूरदर्शन होता क्या है। हम समझते थे कि दूरदर्शन एक टीवी चैनल है, है ना, दूरदर्शन का एक और भी अर्थ है कि उस चीज को देख लेना, है ना, जो कल होने वाली है। बंद आंख से देखोगे तो सपना है और खुली आंख से देखोगे तो विजन है। अगर हम कल क्या होने वाला अगर आंख बंद करके सोचते हैं तो अगर दिखता है तो सपना हो जाता है, और अगर खुली आंखों से देखते तो विजन है। तो 2 साल पहले जो विजन देखा था वो विजन मेरा तो पूरा हो रहा है, आप विजन देख लो। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अदर अदर कंपनी कर रहे हैं, है ना, कोई कंपनी बुरी नहीं है, सारी की सारी कंपनी अच्छी है, हमारा काम करने का तरीका डिपेंड करता है, है ना, और हम किस समय पे उस कंपनी में काम कर रहे हैं। एटॉमी, मैं हमेशा एटॉमी की बात करता हूँ तो उस टाइमिंग की बात जरूर करता हूँ, क्योंकि आप समझो दोस्तों
कि आप सोचिए कि संजय मेश्राम, साहू कार सर, नीतीश मीना जी, जो भी मेरे यही तीन चार अपलाइन है मेरे ऊपर, सुनील लून जी, है ना। अब इन लोगों ने अगर विजन नहीं देखा तो भाई बिना पे आउट के, बिना प्रोडक्ट के आखिर ये टिके कैसे रहे इस बिजनेस में 2 साल? इनको क्या चीज है कि जो रोके रखी थी? विजन ही तो था ना। और इन्होंने विजन क्या देखा? इन्होंने विजन ये देखा कि भाई इसमें एटॉमी में इनकम तो करूंगा ही, है ना, लेकिन इनकम नहीं देखा इन्होंने एटॉमी में, इन्होंने अपना करियर देख लिया कि मेरा इसमें भविष्य सुधर सकता है। आज ही की मैं बात बताता हूँ, हमारे एक लीडर ने एक व्यक्ति को लिया था किसी और कंपनी का वो काम कर रहे, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आपके एटॉमी कंपनी में तो कैपिंग लग जाती है, कैपिंग मीन्स पर डे इनकम जो है एटॉमी में, और इंपीरियल मास्टर की इनकम में भी एक कैपिंग टाइप का है, है ना। तो एटॉमी में इंपीरियल मास्टर की इनकम आप जानते हो 80 लाख से 1 करोड़ जाती है, तो उन्होंने कहा लेकिन कैपिंग तो है। हमने कहा कि बहुत बढ़िया, देखो आप इनका विजन समझो कि सोच देखो कि 1 करोड़ इंसान पर मंथ अगर जो कमाएगा, क्या वो एक बिजनेस पे डिपेंड रहेगा? केवल एटॉमी के बिजनेस पे? वो अपना रिसॉर्ट नहीं खोल लेगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो इनकम नहीं करेगा? लेकिन क्या सोच देखे आपका जो सोच है, है ना, जैसे है कि बारिश होती है, आप चम्मच बढ़ाओगे तो उतना पानी आएगा, आप बाल्टी रख दोगे तो उतना पानी आएगा, और अगर आप सामने तालाब रख दोगे तो उसमें ज्यादा पानी आएगा। तो ये सोच है, तो उस व्यक्ति का सोच देखे, आज की डेट में इनकम तो कुछ शायद 20-30 हज़ार होगी या 0 होगी, है ना, लेकिन उसको है कि कैपिंग हिट होने के बाद उसका इनकम रुक जाएगा, लेकिन उसने और चीजें नहीं सोची कि उस इनकम से वो और कितने सारे काम कर सकता है। तो पहले क्या विजन समझिए कि आप आज की डेट में एटॉमी में आज भी दिक्कत है, ऑर्डर लगने में दिक्कत हुई, टेक्निकल एरर आया, कुरियर चार्जेस लोगों को ज्यादा लगा, दिक्कत है ना, लेकिन ये दिक्कत आपके आने वाली जो पुश्ते हैं, कौन सी पुश्ते हैं, जनरेशन है एटॉमी में, वो लोग नहीं देखेंगे जो आज आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे एटॉमी में। ओके, आज भी चीजें स्मूथ नहीं, हेमोहिम लॉन्च नहीं है, है ना, हेमोहिम लॉन्चिंग में डे वन पे नहीं आया, हेमोहिम जनवरी मंथ तक आ जाएगा, जहां तक उम्मीद है जैन तब तक आ जाएगा, और मुझे तो आज ही पता चला कि हेमोहिम का अप्रूवल एटॉमी को मिल चुका है, खाली ये सिर्फ ये न्यूज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन एटॉमी को हेमोहिम का अप्रूवल मिल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, और जल्द से जल्द आ जाएगी, ज्यादा नहीं। तो आज दिक्कतें हैं, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को, जैसे हमें भी नहीं पता कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी को क्या दिक्कतें जीवन में हुई थी, है ना, वो हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सेटल्ड है। उसी तरह से हमारी आने वाली जनरेशन को चीजें बड़ी स्मूथ मिलेंगी, वेबसाइट भी बढ़िया चलेगी, सारे प्रोडक्ट लॉन्च रहेंगे, है ना, सब हेल्थ केयर के प्रोडक्ट होंगे, सब स्मूथ होगा, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं होगा, टॉप आईडी जो आप लेके बैठे हो, टॉप पोजीशन जो आज लेके बैठे हो। आज फॉर एग्जांपल देखो कि अगर उस समय मैंने शुरुआत नहीं की होती तो काम तो तब भी करना था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, आज मैं आपके सामने बैठ के आपको सिखा रहा हूँ, है ना, क्या सिखा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, काम मैं आज के 2 साल पहले भी कर रहा था, लेकिन तब के काम में और आज के काम में डिफरेंस है, आज आप मुझे बैठ के सुन रहे हो, है ना, कल को आप अगर टॉप आईडी लिए बैठो और आप अचीव करते हो तो लोग आपको सुनेंगे। तो काम तो तब भी करना था, काम अब भी करना है। मैंने अपने जॉब के साथ किया, पहले जॉब के साथ किया, फिर जॉब को पार्ट टाइम किया और एटॉमी को फुल टाइम। आपके पास भी वही मौका है, आप सब लोग एटॉमी में टॉप आईडी लेके बैठे हो दोस्तों, कहां लाओगे ये टॉप आईडी, कहां लाओगे ये प्री लॉन्चिंग? प्री लॉन्चिंग में अगर आपने दोस्तों 100 लोगों की भी टीम बना ली है, अपनी पीठ थपथपाइए, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है। प्री लॉन्चिंग में अगर आपके पास 100 लोगों का ग्रुप भी है, आपके बहुत बड़ी अचीवमेंट इंतजार कर रही है। ये टॉप आईडी आपको, आप दूसरी कंपनी चले जाओ, मिलने वाली नहीं, मतलब जुगाड़ से मिल जाए तो कोई अलग ही बात है, लेकिन आम इंसान को कहाँ मिलेगी, है ना। सेटिंग एटॉमी में तो कोई ऐसा हिसाब किताब है नहीं कि जुगाड़ से भी मिल जाए, लेकिन फिर भी टॉप आईडी बाय डिफॉल्ट आपको गॉड ने दे दिया है, है ना। और आप समझो इस चीज को कि ये जो एटॉमी में टॉप आईडी है, इसको नुकसान बेकार मत जाने दो, बात मेरी मानो। देखो हर अनुभव जीवन में ना आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो कि भाई मैं पहले अनुभव करूंगा और उसके बाद, है ना, आपको क्या है, दूसरे के अनुभव से सीखना है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बहुत मेरा कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ी बहुत खाली इधर उधर एक दो कंपनी का आइडिया था, बैंक के साथ ही किसी ने मेरे पैसे लगवाए थे, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये सिखा दिया था कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, है ना, ये ऊपर वाले की कृपा थी शायद कि मुझसे एक कंपनी इसके पहले भी करवा दिए थे, ये सिखाने के लिए बेसिक सिखा दिया था क्या होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग आप में से ज्वाइन होते, उनको इन्हें पता है एटॉमी का लेफ्ट साइड क्या, राइट साइड क्या, तो ये मेरी ट्रेनिंग पहले हो चुकी थी। अब आप समझिए कि एटॉमी का फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है,
आप में से बहुत सारे लोग इसमें होंगे मीटिंग में, मतलब 10% ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते कि एटॉमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप जाइए उस पर वीडियो देखिए। एटॉमी का फाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है? तीन चीजें, एक है बींग, बींग मतलब होता है जिंदा रहना, है ना, होता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जीवित ही रहना। इसी तरह से आपकी जो कंपनी है वो लंबे टाइम तक जिंदा रहे, बिजनेस आपका प्रॉफिट में रहे, चलता रहे। दूसरा है स्पीड और तीसरा है बैलेंस, ये तीन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है एटॉमिक के। और एटॉमिक अगर आप मार्केटिंग प्लान भी अगर आप देखोगे तो आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, बाइनरी प्लान, ठीक है, बैलेंसिंग में आ जाओ, आपका लेफ्ट लेग है राइट लेग है और जितना ही बैलेंस रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी इनकम रहेगी। दूसरा एटॉमिक कंपनी की खुद की स्टेबिलिटी है ना, कंपनी आज अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, आज कंपनी शुरू हो गई है कल से, तो उसका आज मकसद क्या आने वाले 2-3 महीने में, अपने आप को स्टेबल करें, बैलेंस करें। और तीसरा है ना, सबको हमको सीखते और सिखाते हुए चलना है। तो देखो सीखते और सिखाते हुए चलना, अगर आपने अपनी टीम में सीखने और सिखाने वाला सिलसिला शुरू नहीं किया फिर क्या फायदा है ना। तो ये जो टाइम है ये आपको इन तीनों चीजों को बैलेंस करना होगा, आईडी भी लगानी है, टीम को सिखाना भी है, लेफ्ट राइट बैलेंस भी करना है ना, और कंपनी के एंगल से कंपनी को ये सारी चीजें लेके कंपनी को अपने आप को स्टेबल भी करनी है। अब इसके बाद आपने स्पीड से काम करना है, क्योंकि देखो एटॉमी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है दोस्तों कि फर्स्ट करो और फास्ट करो, आपने काम तो तेज ही करना है। और आप एक अपने काम की एक स्पीड आपको मैं बता देता हूं, अगर आपका कोई भी डाउनलाइन, अगर आपकी टीम में कोई डाउनलाइन है और अगर वो आपसे ज्यादा काम करता है तो आपकी स्पीड कम है, अगर आपका कोई डाउनलाइन आपसे तेजी से ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी, अपने दिमाग का इस्तेमाल आपसे ज्यादा करे, क्योंकि क्या वो रहेगा आपके एक ही साइड, है ना। तो आपने तेज काम करना है, और कितना तेज काम करना ये भी मैं बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि 5 साल में आप कामयाब हो जाओगे, आप कितने सारे लीडर्स का नेटवर्कर्स का वीडियो देखोगे, है ना, तो कहेंगे कि 5 साल आपने देना है, लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ। अगर आपने बड़ी अचीवमेंट लेनी है, अगर आपने इनकम करनी है तो 5 साल ले लो, 4 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बड़ी इनकम लेनी है, आपने इसमें करियर बनाना है, तो 5 साल वाला फंडा नहीं दोस्तों, 6 महीने, 6 महीने आपने ऐसे काम करना है जैसे आप 5 साल में कर सकते हो। समझो आप, जब भारत को आजादी मिलने वाली थी, गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी हैं, आप सोचिए जो अहिंसा के पुजारी हैं गांधी जी, उन्होंने क्या कहा था, डू और डाई। अब अगर आप डू और डाई नारा लगाओगे तो अहिंसा कहाँ रह जाती है ना। आजादी के लास्ट 2-3 साल रह गए थे तो डू और डाई। आपके और मेरे जीवन में यही स्थिति है, डू और डाई, करो या मरो। अगर आपके जीवन में ABC 3-4 ऑप्शन है और अगर एटॉमी ए ऑप्शन नहीं है तो प्लीज आप दूसरों के अचीवमेंट देख के ये कम अचीवमेंट है ज्यादा अचीवमेंट को इवेल्युएट मत करना। आपकी जब एटॉमी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, आपको एटॉमी का जब विजन क्लियर होगा, आपने एटॉमी में जब जल्दी कामयाब होना है तो एटॉमी को आपको नंबर 1 प्रायोरिटी देना होगा ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन सी ऑप्शन तो छोड़ ही देना होगा। अगर आपने इंपीरियल मास्टर, हम सुनते रहते हैं इंपीरियल मास्टर बड़ा अच्छा लगता है, कई सारे लोगों का तो फोकस होता है इंपीरियल मास्टर का इनकम 6 करोड़ रुपए, वाओ वंडरफुल, है ना। लेकिन इंपीरियल मास्टर बनने के लिए वैसा इनपुट चाहिए, तो वो इनपुट जब हम देंगे तो हमें वैसा आउटपुट आएगा, है ना। तो आप अगर बड़ा देख रहे हो एटॉमी में रॉयल मास्टर एंड अबव, तो 6 महीने आपके डू और डाई सिचुएशन होना चाहिए, फिर आपको एटॉमी के अलावा, हकीकत बता रहा हूँ आपको एटॉमी के अलावा ना किसी और काम के लिए फुर्सत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप फिर आप एटॉमी के बारे में अगर और भी समझो, आज की मीटिंग में मैं आपको यही बताना चाहता था कि कृपया अपने माइंड को, है ना, एम्प्टी योर कप, माइंड को आप थोड़ा सा ओपन कीजिए। जब तक देखो अगर आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, बाकी कंपनियों का एक्सपीरियंस क्या हुआ, MLM इंडस्ट्री ठीक नहीं है, नेटवर्किंग ठीक नहीं है, और बाकी कितने सवाल आते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट सस्ते हैं, कुरियर चार्ज लग रहा है, ये सब लग रहा है, ये सब उनकी बातें होनी चाहिए जो यहाँ पे कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर की बात कल से शुरू हुई है, लेकिन जितनी आईडी लगी हुई है, कल जितने लोगों ने परचेजिंग की है, ये सारे कंज्यूमर नहीं है।
ये सारे पहले के पहले नेटवर्कर है, है ना, ये सारे डायरेक्ट सेलर है। कंज्यूमर क्यों, जिस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं उस कंपनी में भला कंज्यूमर क्या होगा बताइए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं आया उस कंपनी के पास कंज्यूमर क्या होंगे, कंज्यूमर की आईडी तो वहां से लग रही होगी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर की बात जब मैंने की ही है, आप एक बात बताइए दोस्तों, कंपनी लॉन्च हो गई और आप लोगों ने 5,000 रुपए का ऑर्डर भी नहीं लगाया, 10,000 रुपए का ऑर्डर भी नहीं लगाया, है ना, कम से कम आप अगर कंज्यूमर ही बनाने जाओगे तो कल आप किसी से मिलने जाओगे तो कहेगा ना भाई दिखाओ मुझे प्रोडक्ट, फिजिकली लोग देखना चाहेंगे, टूथपेस्ट देखना चाहेंगे, टूथब्रश देखना चाहेंगे। आप कोई भी अदर कंपनी ले लो, उसके नेटवर्कर के पास तो प्रोडक्ट उसके पास पड़ा रहेगा। तो हमारे में से तो बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट आएगा तो ऑर्डर लगाएंगे कि नहीं। उनको एक वीडियो में एटॉमिक एमडी ने कहा कि जल्दी हेल्थ केयर प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट। मैं बताऊं दोस्तों, लोग ने पूरा बिजनेस, पूरा एम्पायर, साउथकार सर का पॉइंट वैल्यू देखेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, उन्होंने पूरा बिजनेस बिना प्रोडक्ट के कर दिया, है ना। और आज भी बताऊं कि अगर आप दो प्रोडक्ट पे काम कर लोगे, टूथपेस्ट और टूथब्रश, है ना, टूथपेस्ट और टूथब्रश में भी चाहोगे तो आप जो है लाखों की इनकम पे पहुंच जाओगे। तो पहले तो आपसे बड़ा ये विनम्र निवेदन है कि ज्यादा नहीं, अपनी आईडी पे कम से कम 10,000 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट सभी लोग कर लूं। कल मैं बताऊं मेरे नीचे अभी तक एक तरफ मुझे लगता है 70 लाख पॉइंट वैल्यू और दूसरी तरफ 1,30,00,000 पॉइंट वैल्यू हुआ है और परचेजिंग की है 211 लोगों ने, मतलब लाखों की टीम में परचेजिंग क्यों। अच्छा, पहले तो लोगों की प्लानिंग है कि 16 तारीख से करेंगे, देखो वो तो प्लानिंग का पार्ट है, वो तो प्लानिंग किसकी है कि जो 3 लाख पीवी 7 लाख पीवी वो लोग करने वाले, ये उनकी प्लानिंग है। लेकिन अब मैं 7 लाख करने वाला हूं तो क्या 7 लाख 10,000 नहीं करूंगा, एकदम कट टू कट 7 लाख 3 लाख वैसे ही होगा, थोड़ा ऊपर तो जाएगा ही, थोड़ा नीचे तो जाएगा ही। तो पहले तो आप लोग क्या थोड़ा सा प्रोडक्ट खरीदिए, अगले 5-6 दिन में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा और आपको खुद एक फील गुड फैक्टर देगा, आपने क्या प्रोडक्ट का अनुभव लेना जरूरी है। मैं बताऊं आज एटॉमी लॉन्च हो रही है ना, मैंने न जाने कितना इसका प्रोडक्ट पर्सनली यूज कर लिया है। और आपको मैं उदाहरण के साथ बता दूं, इसी मीटिंग में दौलत चौहान जी बैठे हुए हैं, मैं भूलूंगा नहीं इतना गजब का कि उनको मैंने टूथपेस्ट दिया था, अगले दिन मुझे 500 रुपए दे रहे थे एक टूथपेस्ट के, जानते हैं नोट निकाल के उन्होंने दिया, विकास जी एक टूथपेस्ट दे दीजिए 500 रुपए दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने फील लिया, अनुभव किया प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट कैसा है, तब वो उस एक टूथपेस्ट के 500 रुपए दे रहे थे। तो अगर आप देखो आपका समय कितना कीमती है, आपको मैं देखूं कितने लोग एक बार बैठे हुए मीटिंग में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो आपका समय कितना कीमती है, 476 लोग बैठे हुए हो, है ना। अब अगर आप 476 लोग जो आप इस मीटिंग में बैठे हो, अगर आपके मन में ये दुविधा है कि यार कुरियर चार्ज 200 लग रहा है, 88 रुपए लग रहा है, किसी का 400 रुपए आ गया है ना, यार आपके 1.5 घंटे में अगर आप कमाई करोगे ना, ओके मैं बताऊं अगर आजकल की मेरी एक दिन की इनकम अगर 1 लाख हो गई तो 1 घंटे की इनकम कितनी हो गई आप सोचो। अगर मैं कुरियर चार्ज में उलझा रहूंगा कि यार कंपनी ने कुरियर चार्ज ज्यादा ले लिया, कल तो ज्यादा ले लिया तो घटा दिया, है ना, लेकिन हमारा एक दिन का नुकसान हो गया। इसी तरह से दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक है, है ना, जो चीजें आपको रोक रही हैं, प्लीज उनको हटा दो, क्योंकि जो भी कामयाब हुए हैं उन्होंने ये जो रुकावटें हैं, कंपनी का ऑफिस, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारी चीजें नजरअंदाज करनी होंगी। अगर आप सारी चीजें सोचोगे कि परफेक्ट हो जाए, है ना, कंपनी भी परफेक्ट हो, प्री लॉन्चिंग में आपको मिल जाए, सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, वेबसाइट एकदम अच्छी चले, कोई एरर तो आए ही नहीं, है ना, मार्केटिंग प्लान भी ऐसा हो कि आपको फुल इनकम दे, मतलब इतना इनकम दे, मतलब आप समझ रहे हो, सेल्स मास्टर की जो इनकम है आज की डेट में जो एटॉमी दे रही है आपको, 7 लाख के व्यापार, लेफ्ट एंड राइट 7 लाख अगर आपका रुपए में अगर हो जाता है बिजनेस तो लगभग आपकी 1 लाख की इनकम हो जाएगी। वो भी लोगों को लगती है कि थोड़ी और ज्यादा मिल जाती, मैचिंग इनकम भी लगती है थोड़ी और ज्यादा मिल जाए, मतलब उनको कंपनी से इनकम तो चाहिए और ऐसी कंपनी भी चाहिए जो सालों साल चले, बंद भी ना हो, क्योंकि MLM का तो ये रिकॉर्ड है। अच्छा देखो आपको बताऊं, यस बैंक के बारे में अगर आप जानते हो, मैं यस बैंक में काम किया हूं, यस बैंक बैंकिंग में डूबने वाला था, उसको तो सरकार ने बचा लिया, अगर गवर्नमेंट ने नहीं बचाया होता तो यस बैंक तो डूब गया था और जिसके भी पैसे उसमें थे वो भी डूब जाते हैं। लेकिन वहां पे लोग नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि देखो बैंक में तो लोग कितना लगता है, लाखों लाख, कोई ऐसा भी होगा करोड़ों रुपया रखा होगा, वहां पे टेंशन नहीं है। लेकिन अगर MLM कंपनी को प्रॉब्लम होती है ना तो सारी चीजें आ जाती है कि MLM इंडस्ट्री खराब है, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ठीक है
बैंक आपको इतना चूना लगा रहा है सर्विस चार्ज के नाम पे, मैं तो बैंकर हूं, मैं जानता हूं, लोन में इतना पैसा आपसे कमा रहा है, आप जानते हैं बैंक, कोई और बिजनेस आप देखे होंगे घाटे में जाता है, बैंक का बिजनेस कभी घाटे में नहीं जाता, सिंपल, पैसे लिए और पैसे आगे दे दिए। लेकिन बैंक जब डूब रहा था, और बैंक पहले भी डूबे हैं, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री को कोई खराब नहीं कहता, आप विश्वास करते हो, अपना पैसा रखो। डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ऐसा है? डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक कानून ही नहीं बनाया, गाइडलाइन बनाई है। गाइडलाइन क्या है? मानो तो ठीक, ना मानो तो कोई बात नहीं, आपको सजा तो कोई दे ही नहीं सकता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, चलो ये तो बाद हम किसी दिन और करेंगे। तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखो, पहले तो आप लोग ना ज्यादा नहीं, एक थोड़ा सा प्रोडक्ट मंगाओ और उसका अनुभव लो। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, मैं कहते ना, वो आपने सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना कि पहले प्रोडक्ट मंगाइए, इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए और फिर काम कर लीजिएगा, है ना, फिर काम कर लीजिए, क्योंकि अब आप सब लोग क्या बनेंगे, कंज्यूमर, है ना। लेकिन अभी भी आप में से देखो, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते, मेरे को तो हंसी आ जाती है, जानते हो। मेरे को एक भाई साहब का फोन आया, कहते हैं कि सर हमारे नीचे 60 लाख पॉइंट वैल्यू हो गया है, थोड़ा हमारे दूसरे साइड भी हेल्प कर देते। अब आप सोचो कि मेरे से मैंने उनकी आईडी लगाई और मेरे से दोनों साइड की हेल्प मांग रहे, तो उनसे आप समझो ना कि वो क्या अचीवमेंट करेंगे लाइफ में। तो आपको आपकी टीम में ना, जिनके अंदर वो स्पार्क दिख रहा है, जिनके अंदर आपको लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति ना बड़ा जाएगा, देखो आपसे आपकी टीम के लोग किस तरह की बात करते हैं, किस तरह का सवाल पूछते हैं, आप उससे भांप लो कि वो क्या अचीव करने वाला है। और अपना समय 80% टाइम उन्हीं लोगों को दो जो अचीव करने वाले हैं, नेगेटिव लोगों के ऊपर टाइम मत वैसे, क्योंकि देखो आपकी अपनी अचीवमेंट बहुत जरूरी। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मेरे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, सो इंग्लिश में नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों के लिए एक मीटिंग इंग्लिश में भी कल ले लूंगा, डोंट माइंड, बट आप लोगों को हिंदी तो सीखना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के बाहर आके आईडी लगानी है तो हिंदी आनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारे इसकी। अब परचेजिंग, हाँ परचेजिंग वाले बात करते हैं, तो आप परचेजिंग थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो। और जिनकी भी 16 तारीख से प्लानिंग है सेल्स मास्टर अचीव करने की, डायमंड मास्टर, आप लोग उस पे आओ। लेकिन बाकी सभी लोग A to Z जितने लोग हो, आप अपने आईडी पे कुछ ना कुछ परचेजिंग लगाओ और अपनी टीम को कहो कि कुछ ना कुछ परचेजिंग लाए। और ये कुरियर वूरियर के चार्ज में देखिए, आप समझ नहीं रहे हो समय कितना कीमती है। आपकी लड़ाई जानते हैं टाइम के साथ है, अदर कंपनी के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई खुद के साथ है। एक एक दिन कितना कीमती, मैं आपको बताऊं, अगर 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 ये मीटिंग जिसने होस्ट किया रितेश गुप्ता जी, ओके, इनसे पूछिए, अगर इनकी आईडी मैंने एक दिन नहीं लगाई होती, एक दिन मतलब डिले हो गया होता, तो किसी और टीम में चले जाते हैं और इनकी वजह से वो 20-25 हजार लोगों का ग्रुप मेरे से छूट जाता। तो आप एक दिन नहीं जानते कि आज अगर आपने किसी को एटॉमी नहीं समझाया तो वो तो गया ही, ठीक है। आप अगर नहीं बनाए वो गया, और उसके साथ जो लोग आ सकते तो वो भी चले गए। तो आपकी लड़ाई समय के साथ है, समय को देखो। तो पैसा क्या है, कुरियर चार्ज, ये प्रोडक्ट प्राइस, ये सब आप कमा लोगे, लेकिन समय आप नहीं कमा पाओगे। टाइम मत वेस्ट करो, अचीवमेंट एटॉमी बहुत बड़ा मौका दे रही है। यही समय वेस्ट करते करते एटॉमी लॉन्च हो गई, लोगों ने आईडी माइग्रेट नहीं कराई कि हम माइग्रेट कराएंगे जब एटॉमी लॉन्च हो जाएगी। और मैंने अपने ग्रुप में हमेशा ये वीडियो डाला है, ऑडियो बना के डाला है, माइग्रेशन की टेंशन मत लो, न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करो। जिसे माइग्रेशन कराना होगा वो एटॉमी में खुद झक मार के आके कराएगा। आज भी मैं उसी बात पे रहता हूँ कि प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन माइग्रेशन। सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन उनको देते जाओ कि 21 दिसंबर को आईडी डिलीट हो जाएगी, लेकिन आप फोकस करो न्यू ज्वाइनिंग। और हर एक न्यू ज्वाइनिंग के पास एक प्रोडक्ट एटॉमी का, टूथपेस्ट। अरे सर, आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी आईडी पे खरीद के फ्री में पहुंचाओ ना। जियो कंपनी ने लॉन्च किया था, शुरू के 6 महीने उसने प्रोडक्ट क्या था उसका, फ्री में 6 महीने सबको कॉलिंग फ्री। हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 6 महीने अब फ्री में नहीं यूज करा सकते अपने लोगों को। 4-5 लाख पॉइंट वैल्यू का एक बार प्रोडक्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो ना। लोग कहते हैं कि हमको आईडी नहीं आ रही है, अरे सर आप काम ही नहीं कर रहे हो ठीक से, तो कहां से आएगी। प्रोडक्ट यूज कराओ लोगों को, चाहे उनसे खरीदवाओ चाहे आप खुद पहुंचाओ, लेकिन प्रोडक्ट पहुंचना बहुत जरूरी, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसी के साथ इस मीटिंग में अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन में लें, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स की मीटिंग में, चाहूंगा कि हमारे और भी जो साथी हैं वो भी अपना अनुभव रखें। और मैं अपने बहुत सारे जो मेरे खास साथी, मैं उनको तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने उनको मतलब हमारा कल का जो अचीवमेंट है मेरा, है ना, फर्स्ट डे सेल्स मास्टर बनने का और 15 तारीख तक डायमंड मास्टर बन जाऊंगा, तो ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, है ना।
मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ कि ये मेरे साथ, ये मेरे भाई सारे, विकास गौतम जी, अरुण मीना जी, लोकेंद्र जी, रितेश जी, ये सारे लोग एकदम स्टार्टिंग वाले हैं। जो मैंने चार नाम लिए ये वो है जब कोई नहीं था, है ना। अजय जी बिहार से हैं, अजय जी आप भी, बहादुर जी, और उसके बाद नए नए लोग ऐसे महारथी आए। अरे मेरी मीटिंग एंड हो गई। हेलो, एक मिनट एक मिनट, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग वेट करिए थोड़ा। जी जी दोस्तों, बहुत बहुत माफी चाहूंगा, फोन डिस्चार्ज हो गया, 25% फोन था वो भी डिस्चार्ज हो गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो खास साथी हैं और बहुत बड़े बड़े महारथी जो, हाँ हाँ अनम्यूट हूँ, अनम्यूट हूँ सर। जी 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 अनम्यूट हो गया हूँ, नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी वाइफ के फोन से ज्वाइन कर लिया, थैंक यू जी। जैसे भीषम चौहान जी हो गए हमारी टीम में, नरेंद्र सिंह जी हो गए, अगर आपका मैं नाम मिस कर रहा हूँ तो प्लीज माफ कीजिएगा, राहुल राणा जी हो गए, राहुल राणा जी सबसे पुराने साथी में से हैं, है ना। फिर आपके रामदयाल जी, दौलत चौहान जी, ज्ञान जी, है ना, ये सब सारे साथी, मतलब आप समझो ना, इन सबसे बात करता हूँ ना तो मेरे को मजा आता है। आप समझिए कि मेरे पास ऐसे भी लोगों का फोन आता है, मैं कसम से कह रहा हूँ फोन उठाने का मन नहीं करता, क्यों, क्योंकि उनकी उनसे बात करके मुझे लगता नहीं है कि कुछ फायदा होने वाला है, 10 मिनट वेस्ट होने वाला है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनका फोन आता है ना तो दिल एकदम ग्लैड हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी सोच और मेरी सोच, उनकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। वो यहाँ पे भाग रहे हैं इंपीरियल मास्टर के लिए काम कर रहे हैं, मजा है। देखो नदी कह रही है, अगर नदी के बहाव के साथ हम चलेंगे तो तैरने में मजा आएगा, और उल्टे जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो बहुत सारे साथी इसलिए फोन करते हैं, सवाल पूछ ले थोड़ा सा कठिन सा, क्या सर ये तो महंगा है, सर ये तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, सर ये तो है। अच्छा, इन सबके ऐसे सवाल होते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, है ना, न जाने कौन सा विजन इन्होंने देख लिया जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो आप समझिए कि आप उन लोगों के, अगर आपने अचीवमेंट लेनी है ना, लाइक माइंडेड, इस ग्रुप में राहुल जी बैठे हुए हैं, राहुल जी इस समय अपने अपलाइन के घर चले गए हैं, क्यों, ताकि स्मूथ तरीके से टीम का ट्रांजैक्शन हो, परचेजिंग लग सके, है ना, क्या गजब का अंदाज है काम करने का। तो ये बहुत सारे साथी, देखो आपका काम करने का तरीका होता है जो आपको बड़ी अचीवमेंट दिलाती है। और मेरा, मेरे बारे में बताऊं तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा काम करने का तरीका जानते हैं क्या, जैसे मैं बताऊं, मेरे कई साथियों ने पूछा सर क्या प्लानिंग है ना, तो दोस्तों मैं जो भी करता हूं बेहिसाब करता हूं, और यही मेरा अंदाज है और यही मेरी कमजोरी है। तो मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, प्लानिंग करना हो तो, मतलब प्लानिंग तो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि आपकी एनर्जी, आपका वेग इतना ज्यादा होना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट लेवल, है ना, आपका काम करने का अंदाज इतना पैशनेट होना चाहिए आपको कि फिर सारी प्लानिंग फेल कर दो, है ना। सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर आप जानोगे तो पहले मैच में उसने ना स्कोर नहीं बनाया था, गेंद मुंह पे लगी थी, है ना, और मुंह से खून निकल गया था, फिर भी वो बंदा टिका रहा, मेरे ख्याल से 40-50 रन बनाया था, शतक नहीं बनाया था, लेकिन टिका था खून गिरने के बाद भी मुंह से। तो हम सब क्या, हम भी बहुत बार गिरे हैं, ठीक है, और लेकिन इस बिजनेस में टिके हुए हैं सारी चोट खाने के बाद भी, क्योंकि आप देखिएगा आने वाला 2021 एटॉमी इंडिया की 2021 दिसंबर में सबसे ज्यादा टर्नओवर एटॉमी का इंडिया में रहेगा, ये मैं आपको, आप अगर जूम मीटिंग में हो तो आप मेरे से पूछ लेना, अगले साल एक साल के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ, टर्नओवर ही सबसे ज्यादा रहेगा ऑल ओवर इंडिया,
क्योंकि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टीज, उससे तो अपना टर्नओवर 5 गुना ज्यादा ऑलरेडी है ना, और अकेले इंडिया की बहुत बहुत पोटेंशियल है। और सारे महारथी एटॉमिक में आईडी लगा के वेट कर रहे हैं। अब देखना आप पिक्चर, तो आप लोगों को मैं अनम्यूट करूंगा सर, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, और अगर आपके मन में कोई मजेदार बात हो तो वो भी बताओ आप, है ना। जी सर, मैं को होस्ट हूँ। जी संजय सूर्यवंशी सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय सर जी बोल रहे हैं। जी गुड इवनिंग सर। कहिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपने बहुत बेस्ट प्लान दिया सर। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर। राम चौधरी सर, मैं आपका थैंक यू सर, विकास सर, और मैं आपसे एक इजाजत चाहूंगा, मैं मेरी मन की बात करना चाहूंगा, ये आपकी इजाजत है क्या सर आज? जी बिल्कुल सर, कहिए। विकास सर एंड ऑल ऑफ यू मेरे एटोमियन पार्टनर्स, दोस्तों, विकास वो सक्सेस है जो शायद आज आपको महसूस हो गया होगा कि विकास सर एक खुली किताब मीन्स के जैसे उन्होंने आज अभी जो प्रेजेंट किया है, उनकी बातों के मन की बात जो रखी है अपने सभी के बीच, मैं विकास सर का इतना फैन हूँ और मेरी टीम, मेरी डाउनलाइन टीम इतना फैन है कि विकास सर का एक वर्ड उनके लिए एक जादुई छड़ी की तरह काम करता है। तो मैं विकास सर को धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी टीम की तरफ से कि विकास सर इसी तरह हमेशा आप हमारे बीच हर सजेशन में हमारा हेल्प करते रहें, हम आपका इतिहास बनाने में जुटे रहेंगे और आप हमारा इतिहास बना दीजिए। थैंक यू विकास सर। थैंक यू राम सर, वेलकम। बहुत वंडरफुल काम तरीके से काम कर रहे हो सर, बहुत गजब की टीम है आपकी, ग्रेट गोइंग सर, गो फॉर इंपीरियल मास्टर। थैंक यू सर, ग्रेट, आई लव यू सर। थैंक यू सर। विकास गौतम सर, अच्छा दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो देखिए ये राम सर का मेरे लिए प्यार है जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस एटॉमी के ऊपर है, हम एटॉमी की खासियत बताएं। देखो आप समझो कि मेरी अचीवमेंट कुछ नहीं है, आप सोचो कि अगर हैनगिल पार्क ने, अगर की बात की मैंने कहानी जो सुनाई थी, अगर भैंस मर जाती तो, अगर एटॉमी लॉन्च नहीं होती तो, अब मैं आपसे एक अगर का क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हैनगिल पार्क ने एटॉमी बनाई नहीं होती तो, अगर एटॉमी कंपनी की रचना ही नहीं की होती तो क्या होता, है ना? अगर हमारी एटॉमी में ज्वाइनिंग ही नहीं लगाया होता हमारे अप्लाई में तो अगर बहुत सारे हैं, तो हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा धन्यवाद हमें हैनगिल पार्क सर का देना चाहिए। देखिए अगर अपने इंडिया का कोई व्यक्ति होता और वो कंपनी बनाया होता ना सर, ना तो हमें बार बार उसका याद आता, लेकिन हमें हमारी सारी स्पीच में हैनगिल पार्क सर को ध्यान। मैं आपको बताऊं, आप CH.Atomy में जो एटॉमी का चैनल है एजुकेशन, जहां पे आप वहां पे कहानी सुनिए सर, 2009 में जब एटॉमी बनी थी ना, पहले एक साल में 1100 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, ओनली एंड ओनली 1100 लोग केवल ज्वाइन हुए थे एटॉमी में, और उसके बाद आज 11 मिलियन, 1,10,00,000, 11 मिलियन, और इंडिया का आज जुड़ गया कम से कम 2 मिलियन लोग, तो 13-14 मिलियन लोग एटॉमी में हो गए हैं, लेकिन शुरुआत पहले साल 11। बहुत सारे लोग, आप लोग सोचते हो कि हमारा ना एक साल हो गया अभी तो 1000 की टीम बनी है, सर एटॉमी में भी इतनी ही आईडी लगी थी, है ना, इतने ही कंज्यूमर बने थे, और सुन लो आप मेरे बात, जब एटॉमी शुरू हुई थी ना तो ना इतने प्रोडक्ट थे जो हम आज सोच रहे हैं कि कम प्रोडक्ट हैं, अगली साल मार्क माई वर्ड अगली साल इतने प्रोडक्ट होंगे ना कि आपको ना उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। अगर आपका कंज्यूमर कोई पूछ कह देगा ना तो मैं कहता हूं कि वो आपके ऊपर मैं खुद ये आपको डांट लगा दूंगा, वो कहेगा आपसे सर आप इस प्रोडक्ट की खासियत बताओ मुझसे, और आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, इतने प्रोडक्ट एटॉमी ला देगी। तो इसीलिए काम करने के लिए आपको ना प्रोडक्ट नहीं चाहिए, काम करने के लिए आपको आपका एटीट्यूड होना चाहिए,
और एटॉमी के बारे में समझिए। तो आप राम सर आपने कहा, लेकिन मैं चाहूंगा ना कि हम सब लोग, इम्तियाज अली सर, हैंगिर पार्क सर, हमारे अपलाइन कोरिया वाले जो हमसे इसलिए नहीं बात करते कि उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, उनको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उनका बहुत, आप सोचो कि एटॉमी के 3 साल पहले बेचारे हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हुए भी इंडिया में आके उन्होंने ढूंढ के निकाला, है ना। आके 4 साल पहले जब लाइडी लगनी शुरू हुई थी तो एटॉमी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, ना टॉप 11 में थी, 11वीं रैंकिंग एटॉमी की ग्लोबल, 20 रैंकिंग आ गई, 40वीं भी नहीं थी, 100वीं भी नहीं थी 2017 में, है ना। ये अब हुई है, आज हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो ये एटॉमिक कंपनी का योगदान है सर, हमारे अप्लायंस का, हैंगिल पार्क, इम्तियाज अली सर। इम्तियाज अली सर, मैं बताऊं आपको, आपको एक फैक्ट बताता हूं मैं दोस्तों, एटॉमिक कंपनी इंडिया में 2020 में नहीं, 2022 में आने वाली थी, 2022 में, जो हैंगिल पार्क की, हैंगिल पार्क सर की तैयारी थी, लेकिन ये इम्तियाज अली सर हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी को 2019 लास्ट में ज्वाइन ओपन कर दूंगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि भारत सरकार के पास साथ काम करना, प्रोडक्ट रजिस्टर कराना इतना आसान भी नहीं है, इतना ईज ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, टाइम लगा और फिर कोरोना की वजह से ऑल लेट हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो लेट हुआ है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद निकला है, आपको टीम बनाने का मौका मिल गया है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में एक लोग हैं, उनके 6 महीने में उन्होंने 50 ID लगाई है, ओनली मेरे से कह रहे हैं सर आप मुझे आईडी दे दो। और इस व्यक्ति की मैं महानता बताऊं सर, अगर मीटिंग में है तो आपको मैं बताता हूं, जब वो एटॉमी में ज्वाइन हुए थे तो कह रहे थे कि सर 10,000 का ग्रुप है मेरे पास दूसरी कंपनी में, है ना। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं सर, ये सब होती रहेंगी। आपने फोकस करना है अपने सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सारी आईडी लगाने पे, किसी को नहीं छोड़ना है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्लीज प्लीज जरूर कीजिए, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, या आप एमएलएम डायरी कहीं से निकालिए, आप इसका यूज जरूर कीजिए। कम से कम पर आदमी टारगेट, मैं आपको प्रोडक्ट का टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग का टारगेट 200 लोग रहना चाहिए अचीवमेंट के लिए। मैं नेक्स्ट स्पीकर को करूंगा सर, बहुत सारे लोगों हैंड रेज किए हैं जी, लाइन से तो नहीं आऊंगा। विकास गौतम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, वेलकम। थैंक यू सो मच विकास भाई साहब, थैंक यू सो मच। और पहले तो आपके लिए सर मैं आपको बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, हमारे पूरे ऑटोमेशन सिस्टम की तरफ से सर, ग्रेट। आपके लिए सर क्लैपिंग है सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू। आपको भी सर, आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो फिर ये कारवा नहीं होता जी सर। म्यूट हो जा रहे बार बार विकास सर। नहीं नहीं, मैंने म्यूट कर दिया था सर, मेरी बेटी भी यहाँ आसपास हल्ला मचा रही है, दौलत चौहान जी। देखिए जीवन में कुछ भी करते हैं तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी रहती ही है। मैं किस स्थिति मीटिंग ले रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ, बेटी को सेट किया टीवी के पास। दौलत सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू विकास सर, ऑल ऑफ यू मेरे पार्टनर्स, बहुत जबरदस्त आज जो सेशन रखा विकास सर ने, आज लाइव जो अपने वो दिखा दिए, इनके जो चमक, जो फर्स्ट डे की चमक दिखा दी, और इनके वॉइस, इनके वर्ड्स इतने जबरदस्त है, जो मैंने फर्स्ट डे इनसे बात हुई उसमें इतनी, उस दिन से इतने में क्लियर हो गया सर, इस एटॉमिक प्लान से, प्रोडक्ट से, सब कुछ उसी दिन दिख गया मुझे। आज अपन सिर्फ वर्ड, जो शब्द बोल रहे थे वो शब्दों में इतनी जान भर दी, अब प्रोडक्ट यूज करेंगे अपने ऊपर तो इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आज इतने शब्द जो बोले सर, सर ने, विकास सर ने, तो रियली रियली इतना विश्वास है, जो आज, जो आज के पहले जो भी देखा है अपने नेटवर्क मार्केटिंग दो देखिए, वो एक सिर्फ अपने वो ट्रेनिंग सेंटर था, बाकी ओरिजिनलिटी में जो डायरेक्ट सेलिंग में जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो एटॉमी ने एक स्मार्ट वर्किंग के तरीके से अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और इसको मैं 1 साल पहले जब ज्वाइन हुआ, कल मेरा इसमें 13 नवंबर 2020 में पूरे 12 महीने हो जाएंगे, इतना जबरदस्त फर्स्ट दिन ही मैंने इसमें ड्रीम देख लिए, और फर्स्ट दिन इतना देख लिया, जो इसके प्लान, इसके जो सिस्टम, जो आज एक साल बाद में मिला, वो मैंने फर्स्ट दिन ही देख लिया सर। तो थैंक यू विकास सर, वेलकम सर।
जी मैं अपने नेक्स्ट साथी सर भीष्म चौहान सर आप हैं मीटिंग में सर, प्लीज वेलकम सर। अरुण मीना जी, भीष्म सर, भीष्म सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार विकास सर, नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार मेरा। और आज जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की विकास जी ने और जो भी आप सबको बताया, इसमें विकास जी का इस टीम को बुनने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता देता हूँ कि एटोमी की जो जर्नी है, एटोमी की जो यात्रा है इंडिया के अंदर, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और आगे आने वाले आपने देख लिया होगा ट्रेलर तो, कि कितना जबरदस्त बिजनेस हुआ है और कम टाइम के बावजूद बहुत सारी चीजें यू नो रही, आगे पीछे थोड़ी सी रही, फेस्टिवल्स रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा एक्साइटमेंट और इतना बड़ा रेस्पॉन्स मेरे टीम में बहुत ही यू नो लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। उनका कल भी मैसेज आया मेरे को और आज भी मैसेज आया कि रियली इतना बड़ा रेस्पॉन्स हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा। तो आप जो भी आपको लगता है कि मतलब जितनी बड़ी टीम है उसके हिसाब से जो भी आपका रेस्पॉन्स आया है, अच्छा आया हो या बुरा आया हो, मतलब अच्छा नहीं रहा, कुछ भी एक्सपीरियंस आपका रहा हो, जैसे विकास जी बात कर रहे थे कोरियर को लेकर के रहा हो या फिर प्रोडक्ट्स को लेकर रहा हो, प्राइस को लेकर के रहा हो, जो भी आपका 10-15 दिनों में, 20 दिनों में, महीने में या इन दो दिनों में मीन्स 11 और 12 में जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, उसको साथ लेते हुए उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोकास्टिनेशन ना करते हुए आप मतलब ये समझ लीजिए एक नई जर्नी स्टार्ट करो। और इवन आज से ही स्टार्ट करो, 13 तारीख ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एटोमी मोबाइल ऐप पे और एटोमी साइट पे। और मैं देख रहा था कि जैसे ही 8:30 से 8:45 की तरफ हम लोग गए थे तो तभी पीवी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इतना अच्छा रेस्पॉन्स पीछे कई सालों से मैंने नहीं देखा। तो आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है उसको दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए आगे आने वाले यू नो फ्यूचर को देखिए। और इसमें फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आप अपने आप पे प्राउड करोगे और अपने स्पॉन्सर पे प्राउड करोगे जिसने आपको इस बिजनेस में जो लेकर के आए हैं। और ऑब्वियसली अप्लायंस पे तो प्राउड करोगे ही, प्लस टीम को आप बांध करके रखिए, बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। भीष्म सर मैं आप मीटिंग में हो सर, तो बहुत सारे मेरे आपके क्रॉस ग्रुप वाले, माने आपके ब्रदर ग्रुप वाले भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। भीष्म सर जब मैंने डू और डाई बोलता हूँ ना, तो मुझे उस डू और डाई में आपका भी ख्याल बहुत आता है। यस 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 यस, आपने भी अपने आप को डू और डाई में कहा जब मैं कह रहा था ऑप्शन ए बी सी, अगर जीवन में आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप यही बेस्ट करोगे। तो सर आप एक बार अपना डू और डाई सिचुएशन एक बार बता दीजिए सर सबको। देखिए डू और डाई सिचुएशन मेरा तो बहुत ही डिफरेंट रहा है। मैं हम लोग पिछली कंपनी में बहुत ही अच्छे लेवल पे थे और बहुत बड़े लेवल पे जाने की ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे, सारा प्लान सेट था हमारा। और ऐसे लेवल पे थे हम कि लाखों लोगों का सपना होता है कि ये लेवल ले लें हम लोग उस कंपनी। लेकिन जैसे ही मैंने आई डोंट नो कैसे मेरे जीवन में लाइफ में ये गॉड वांटेड टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी, मैं मना कर चुका था, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एकदम दरकिनार कर चुका था और बहुत ही रूड तरीके से मना किया था मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन ऊपर वाले की मतलब अपनी अलग यू नो तैयारी रहती है, अलग प्रसाद रहता है देने के लिए। एंड आई वेंट देयर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब चल के गया था। एक बार तो मना करके आया था और जैसे अभी बताया, ऐसे रूड तरीके से बताया था कि बाद में भी वो लोग कह रहे थे कि पता नहीं कितना ईगोइस्टिक इंसान है। लेकिन ऊपर वाला जो देना चाहता था उसने दिया, मैं चल के गया, मैंने ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया और शाम को आकर के कि पिछली कंपनी में हम लोग विद फैमिली काम करते थे, मैं और मेरी वाइफ पूनम दोनों काम करते थे। और
उस रात को 18th नवंबर की इवनिंग थी वो, और आकर के मैंने संजय मिश्राम जी का वीडियो देखा और हम चारों ने, मेरे दोनों बेटों ने देखा और मैंने देखा। उसके बाद हमने एक घंटे भी पीछे मुड़के नहीं देखा। बहुत सारी क्रिटिसिज्म झेली हैं, बहुत सारी बातें झेली हैं। लोग बोलते थे कि इतना बड़ा 18 साल का करियर छोड़ करके और तुम अब यहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट। तो इतनी क्रिटिसिज्म की तो कोई हद, मतलब इतनी हद पार हो गई। उन्होंने मतलब अभी कंपनी आई नहीं है, प्रोडक्ट आपके सामने नहीं है। मेरी वाइफ को तो एक लड़की बोलती है बड़े रूड तरीके से कि तुम्हें पता है इसके प्रोडक्ट कितने महंगे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ना रूड तरीके से बोला था, बोला तुम मतलब बहुत ही रूड तरीके से तू एटॉमी की बात कर रही है, तेरे को पता है इसके प्रोडक्ट कहाँ है, मतलब कैसे है। तो ये सब क्रिटिसिज्म झेलते हुए यहाँ तक आए हैं और I am fully satisfied now. कल हमारा पीवी बड़ा जबरदस्त रहा, आज का पीवी हमारा बड़ा जबरदस्त रहा, और यू नो मजा आ रहा है विकास जी। मतलब जर्नी तो जैसी भी है, लेकिन इंपीरियल मास्टर तक की जो जर्नी रहेगी ना, अब बड़ी मजेदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझ सकते हो कि एटॉमी के प्रोडक्ट आपकी पिछली कंपनी से क्वालिटी में अच्छे और सस्ते हैं, महंगे नहीं है। ऑब्वियसली क्वालिटी तो जबरदस्त रहेगी, कोरियन प्रोडक्ट्स हैं आप सबको पता है, और टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, लेकिन बस अब आने की देरी है, यूज करने की देरी है। अभी से लोगों के कॉल्स आने चालू हो गए जैसे ही हमने पीवीज डाले हैं, और जैसे ही इनकम चालू हो जाएगी तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स ज्वाइन करेंगे विद प्रोडक्ट विद सिस्टम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं थैंक यू बिल्कुल, आपने ऑलरेडी सारी चीजें बोल दी हैं और भीष्म जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। तो सब लोगों को समझना है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट छोड़ के भी वो उन्होंने जीरो से शुरू किया है और कहां तक पहुंच गए हैं, मतलब सबसे फास्टेस्ट चल रहे हैं मुझे लगता है। भीष्म जी ग्रेट हैं आप लोग, आपकी टीम भी बहुत ग्रेट है। तो विकास जी यहाँ पे एक चीज, अरुण जी एक चीज थोड़ी सी और बोलूंगा, जब मैंने सॉरी अरुण जी सॉरी जी प्लीज प्लीज। तो यहाँ पे मतलब जब मैंने 3-4 महीने बाद मेरे अप्लायंस को पता लगा था, मैं आप सबको बता दूं और मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली 95% लोग जानते होंगे, आई बिलोंगड टू एमवे, दुनिया की नंबर वन कंपनी। और जैसे ही मेरे अप्लायंस को पता लगा था कि मैंने एटॉमी ज्वाइन कर लिया है, डेढ़ दो घंटे जद्दोजहद करी थी कि भाई आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद में मेरे को 2-3 दिन बाद पता लगा, मेरे अप्लायन ने बोला है कि भीषम को 50 लाख रुपया मिला है उस कंपनी से, इसलिए यहाँ से गया। सेटिंग सेटिंग। तो मैंने विकास जी को बताया, विकास गौतम जी को बताया था और अरुण जी को बताया था, कई लोगों को बताया था, तो बोल रहे थे सर ये तो बहुत अच्छी बात है और आपके लिए एक तो मार्केट बन गई ये तो आपके लिए कि 50 लाख रुपए का बंदा सामने आया। तो रियली इट वाज अ ग्रेट मोमेंट जब ऐसा कुछ आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब तो धमाल मचने वाला है। यस ओवर टू अरुण जी, सॉरी अरुण। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भीष्म जी, आपकी बात सुनना मुझे लगता है सबको पसंद है, क्योंकि आप एक प्रेरणा है सबके लिए, सबको आपसे सीखना चाहिए, हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो विकास जी ऑलरेडी आपने सब कुछ बता दिया, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अगेन आप पहले ही जिसको कहते हैं दिन बन चुके हैं सेल्स मास्टर और डायमंड, क्या बहुत बहुत सारी अचीवमेंट अभी आने वाली है। तो शायद माइक कनेक्ट नहीं है अभी सर का। जी जी कनेक्टेड कनेक्टेड बिल्कुल अरुण जी, थैंक यू और आपको बहुत बहुत बधाई सर। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, और हम लोग सब बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट करेंगे, सभी लोग करेंगे, कृपया पीछे मुड़ के कोई ना देखे, वही वाली बात है, अपना डिसीजन लीजिए और अपने हिसाब से कीजिए, कौन क्या कह रहा है उसको भूल जाइए, आपको आगे देखना है, पीछे देखोगे तो पीछे जाना पड़ेगा, आगे देखोगे तो आगे जाना पड़ेगा। तो बस बहुत सारे लोग हैं, इतने कहता हूँ, लगे रहो दोस्तों, क्योंकि आपके और आपके अपने के फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू सर। नरेंद्र सर मैं आपको अनम्यूट करूंगा सर अगले में। हाँ नरेंद्र सर, मैं डॉक्टर एस कुमार सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
थैंक यू विकास जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, विशेष है मेरी बहुत सारी आपके लिए कि आपने फर्स्ट दिन जो आप वो डेफिनेटली अपने आप में एक एग्जांपल है सबके लिए। और अगर मैं सीईओ की बात करूं, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर डिसीजन और इतना फास्ट डिसीजन जो हुआ, सबके लिए बहुत सोचने और समझने की बात है कि कुरियर चार्जेस आधा होना विद इन 12 आवर्स, लोगों के जो भी मेल गए और उसके बाद जो डिसीजन हुआ कुरियर से रिलेटेड, जस्ट कुरियर चार्ज हाफ। सोचने में देखने में छोटी चीज है, लेकिन मैं भी एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से हूं और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से हूं, तो वहां भी डिसीजन लेने में मैं समझता हूं महीना लग जाता है डिसीजन लेने में, जो कि जो कंसल्टेंट हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, उनके बेनिफिट के लिए। और मैं हैरान हो गया कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर ये डिसीजन आ गया कि लोगों को कुरियर चार्ज से प्रॉब्लम है तो हमें आधे चार्ज को खुद बेयर करना है। और ये चीज देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि वाकई में जो हमारा फ्यूचर होने वाला है इकोनॉमी में वो क्या होने वाला है, ये आप नहीं जज कर सकते, क्योंकि इतना क्विक डिसीजन जिस भी कंपनी में होना है होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके भाग्य को वो डिसाइड करेगा। लिटरली आपके भाग्य आपके हिसाब से भी अब नहीं चलना है, आपका भाग्य अब चलना है एटॉमी के डिसीजन से। ये अलग बात है कि आप यहाँ टिके रहते हैं या नहीं रहते। तो विकास जी ने एक दिन में करके दिखा दिया, सुनील जी ने एक दिन में डायमंड बन के दिखा दिया, तो मैं समझता हूँ हम सब के लिए अब एक रास्ता है चलने के लिए कि हम तो पहुंच ही जाएंगे। अगर कोई चल के वहां पहुंच चुका है तो डेफिनेटली हम भी पहुंच जाएंगे। तो अब हमारे लिए कोई भी शक, कोई भी डाउट हमारे मन में नहीं है, बस टिके रहना है और कंपनी के ऊपर अपने आप को छोड़ दें, अपने अपलाइन के ऊपर अपने आप को छोड़ दें। अगर आपने अपने आप को सबमिट कर दिया तो फिर आप देखिए कि आप कहाँ पहुंच सकते हैं। थैंक यू पार्थिक जी, और आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सर मैं आप सभी को एक बात बताऊं, एस कुमार सर आपकी बात में ऐड करते हुए कि yes. कल मुझे रात में इम्तियाज अली सर का फोन आया, और फोन इसलिए आया क्योंकि थोड़ा कैसे होता है ना कि थोड़ा पुराना साथ हो जाता है तो एक लगाव सा हो जाता है। तो कल उन्होंने एक एटॉमी शुरुआत हुआ इसके लिए फोन किया, और कल उन्होंने एक बात कही सर, मैं आप सबको बता दूं, मैंने और निशाम दोनों ने बात किया उनसे कल, और लगभग आधे घंटे हमारी बात हुई। तो उन्होंने एक बात कही, और जो वो मेरे लिए कहते हैं वो मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं उनको चैलेंज करता रहता हूँ, और शायद ऐसा एक महीना नहीं बीता होगा जब मैंने उनको चैलेंज किसी क्वेश्चन से नहीं किया हो। तो उन्होंने कहा कि विकास जी मैं आपको, ये निशा भी थी हम दोनों साथ में, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे चैलेंज नहीं करोगे तो मैं चेंज कैसे करूंगा। उन्होंने ये बात कहा कि मैं किसी एम्प्लॉय को ऐसा हायर नहीं करता हूं जो मुझे चैलेंज ना करे। आप लोग जब ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस फेसबुक पे डालते हो, जब कोरियर का आपने इशू, किसी भी चीज का आप लोग इशू करते हो ना, तो मेरे लिए चैलेंज है। जब वो पता चलता है मुझे तब मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने ये जो आज कोरियर का होने वाला है कल रात में कह दिया कि आज का चैलेंज ये है और मैं इस पे सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। और ये उनका हैबिट है कि वो इस चीज को लाइक करते हैं। और एटॉमी में उन्होंने कहा कि जितने चैलेंजेस आपने देने हैं बिल्कुल आप दो, तभी हम कंपनी को बेटर बना सकते हैं। लोगों की मन की बात हमें पता चलनी चाहिए, और मुझे हार्श क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनका कल वर्डिंग थी सर, चैलेंज मी टू चेंज। जबरदस्त विकास जी, बहुत जबरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि ये एक पर्टिकुलर जो है जहाँ चेंजेस पॉसिबल है और फ्रीक्वेंट फास्ट चेंजेस पॉसिबल है, ग्रोथ फास्ट वहीं निकल सकती है। जहाँ पे हम सोचने में ही समय निकाल देंगे वहां पे डेवलपमेंट भी स्लो ही होता है। बिल्कुल विकास जी, थैंक यू। नरेंद्र सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ अनम्यूट हो सर आप। जी सर, सर नेटवर्क, नरेंद्र सर हेलो।
थोड़ा रिमोट है तो नेटवर्क का बड़ा नो प्रॉब्लम। हाँ आ गया सर आवाज। अच्छा आवाज आ रहा है जी? अब आ गई सर, बढ़िया। ओके सर, ओके सर। कुछ दिन पहले मीटिंग में हम कहे थे कि जब एटोमी कंपनी लॉन्च हो जाएगा उसके बाद जब हम लोग मीटिंग करेंगे तो हम लोगों के नाम के साथ कुछ ना कुछ सिंबल ऐड हो जाएगा, जैसे विकास सर के साथ एक दिन के अंदर सेल्स मास्टर का जो अचीवमेंट है लग गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में उपस्थित जो भी लीडर बैठे हुए हैं आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और बहुत अचीवमेंट लगने वाला है। दूसरी बात कि देखिए कंपनी तो अच्छी है, नो डाउट, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे कंपनी के साथ एक अच्छा अपने टीम के साथ भी जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम सभी लीडर जो लोग भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं, वास्तव में हम लोग बहुत ही खुश नसीब हम अपने आप को मानते हैं और साथ में आप सभी लोगों को, इसलिए हम सभी लीडर्स को इतने अच्छे अप्लाई मिले हैं जो कि साल डेढ़ साल दो साल तीन साल से एक ही कॉन्सेप्ट में बिना पी आउट के फोकस किए और हम सभी लोगों को एक साथ बांध रखे। हम लोग अगर कभी कभी इधर उधर चले भी जाते थे तो फिर वहां से घुमा फिरा कर हम लोगों को एटमी में लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। कहीं ना कहीं हम सभी के अचीवमेंट के पीछे उनकी बहुत बड़ी योगदान है। अगर इस तरीके से हम लोग इस टीम के साथ नहीं जुड़े होते, एक्सीडेंटल एटोमी में हमारी कहीं लग गई होती और वहां के टीम लीडर हो या हमारे अपलाइन हो वो शायद एक्टिव ना होते या इस तरीके से जूम मीटिंग के माध्यम से एक्टिव ना रखते, हो सके कि आज के डेट में योगदान हम लोग नहीं होते। एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम सबके ऊपर के अपलाइन लीडर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम लोग जो भी हैं कहीं ना कहीं सभी अपलाइनों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत धन्यवाद, इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, ये तो है कि हमारे जानने वाले अपलाइन कम से कम दो साल तक टिके तो है, तीन साल से टिके तो है। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर मैं अनम्यूट करूंगा, रवि चौधरी जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनिल बिन जी इसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा। एक 15 मिनट और मीटिंग करते हैं सर, 9:30 पे वी विल क्लोज द मीटिंग, 9:25 पे। अनिल जी मैं, रवि जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। सर सभी को नमस्कार। विकास सर आपके शब्दों का मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ और जितने हम लोग हैं मैं सभी के लिए एक बात करूंगा और अपनी पूरी टीम के लिए कि हम लोग इनको फॉलो करें जो हमारे लीडर्स हैं। ये उस बर्फ पे चल रहे हैं जो सबसे आगे वाले जो वो होते हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ शब्द, ठीक है, और हम उस दबी हुई बर्फ पे पीछे पीछे हम लोग चलते चले जा रहे हैं। एक तो हम लोग इनको फॉलो करते रहें और नो डाउट हम लोग अगले 10-15 दिन के अंदर और एक महीने के अंदर लीडर्स पे लीडर्स हमारे ग्रुप से निकलने वाले हैं सर। तो आपका जो समय हमको मिल रहा है, जो वैल्यूएबल टाइम हमको मिल रहा है सर, और ये हम इसका जरूर बेनिफिट हम लोग लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू रवि जी। अनिल बिन जी आपको मैं अनम्यूट किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद अनिल जी और सभी साथियों को जय हिंद। जय हिंद। मायसेल्फ अनिल कुमार बिन, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं सर। और सर अभी मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग जो है मणिपुर इम्फाल में है सर। अरे वाह सर। तो सर आप सभी गुरुओं को आशीर्वाद से जो है कि जैसे भी इस फोर्थ है, अगर जैसे भी समय मिलता है सर तो थोड़ा सा समय निकाल करके इस एटोमी को जो दिया जाता है और आप सभी लोगों के सहयोग से आप लोग इतनी अच्छी बातें जो है कि हम लोग बीच में शेयर करते हैं और हमारे जितने भी लीडर्स हैं सभी लोगों के सहयोग से और ये टीम धीरे 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 आगे बढ़े, कारवा आगे बढ़ता चला जा रहा सर और आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा सर कि समय का पाबंद बनाए और समय के साथ में चले तो जरूर सक्सेस होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप हमें अवसर दिए उसके लिए हम आपको सलूट देते हैं। सर आप फौजी भाई हो सर, मेरा आपको सलूट सर। और आप सब देख सकते हैं कि वीडियो में अनिल बिन जी आपको दिख रहे हैं,
इन यूनिफॉर्म में बैठ के ये मीटिंग ले रहे हैं जी। आपका हैंग कर गया सर वीडियो, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि अनिल विंज जी यूनिफॉर्म में इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत रेस्पेक्ट सर आपके लिए, थैंक यू। सर मैं अनम्यूट जी, थैंक यू थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं सर? बस सर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे सर। और जी, जी। अनिल बिल सर आपके सीनियर अपलाइन कौन है सर? राहुल राजेश सर। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू विकास गौतम जी। सर मैं अनम्यूट करूंगा अभी हमारे संजीव गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। ललित पटेल जी मैं आपको इसके बाद अनम्यूट करूंगा। संजीव गुप्ता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर सर गुड इवनिंग सर। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, आपके पहली सीढ़ी आपको जो अचीव हुई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। और इस एटोमी परिवार के सभी सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका भाई संजीव गुप्ता वाराणसी से इस एटोमी परिवार में आकर जो खुशी मिलती है और जो फ्यूचर दिख रहा है वो शायद लाइफ में कहीं नहीं थी, अब वो दिख रहा है। ये मेरी पहली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें मैं हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं नरेंद्र सिंह सर का, जो मुझे इस कंपनी के बारे में बताए और लाए और रास्ता दिखा के आगे बढ़ाया विकास सर ने। क्योंकि मेरी पहली मीटिंग विकास सर के साथ थी जब मुझे एटोमी अच्छा लगा, और मैं विकास सर के बारे में जब पता चला तो मुझे लगा कि एटोमी कंपनी क्यों करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके द्वारा इस पथ पे चलने का। धन्यवाद धन्यवाद सर, मेरे लाइफ की ये पहली और अंतिम कंपनी होगी जो मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये मेरी पहली और अंतिम कंपनी है सर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से वादा है सर। अब आपका अनुभव इतना ज्यादा है, जो कहते हैं ना कि सर आपने बनारस से हो और घाट घाट का पानी पिया है आपने, तो एटॉमी की कीमत आप बखूबी समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। वो उस दिन 4 जनवरी का आपकी मीटिंग और उसके बाद जो मैंने सर्च किया उसके बाद का जो दौर है बिल्कुल अनबिलीवेबल। और ये लॉकडाउन ने तो हम लोग के लिए समझ लीजिए, कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, लोगों के लिए बहुत बुरा दौर रहा है हम सभी लोग के लिए, लेकिन उस दौर में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है और अच्छी टीम बनाई है सर। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ही रहा हम लोग के लिए कि बहुत अच्छी टीम डेवलप हुई और बहुत अच्छा काम हुआ। सर विकास सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। जी जी जी, धन्यवाद सर। सर लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने समय सो के बिता दिया और एटोमियंस ने उसी समय पे अपनी जिंदगी सेट कर ली सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दोरा नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोरा नहीं सर कि लॉकडाउन ने हम लोग को बहुत सपोर्ट कर दिया सर। लोग घर पे मिले, बातचीत करके लोग घर पे मिले, घर पे आराम से बात हो पाई, बिना गए केवल फोन से बात कर करके लोगों से आईडी लेके लोगों की आईडी जनरेट किया गया, मतलब बहुत सपोर्ट रहा लॉकडाउन ने हम लोग का। नहीं तो ऐसे क्या ना, लोग बहाने मारते हैं, अरे सर घर पहुंचूंगा तो देखूंगा, ये करूंगा तो देखूंगा, मार्केट में हो तो ऑफिस में हो, तो वो सारे ऑप्शन ही खत्म कर दिए थे। तो सर बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपका अचीवमेंट, पहला सीढ़ी, बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद आपके लिए सर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत जल्द देखना चाहूंगा मेरे और भाई नरेंद्र सिंह भाई और सारे भाई हमारे इस सीढ़ी को अचीव करें और पहली सीढ़ी को क्रॉस करते हुए आगे मास्टरशिप बोनस के लिए आगे बढ़े, दिल से यही हार्दिक। ये जब जैसा होता है पिक्चर शुरू होती है तो पहले पर्दा हटता है, तो ये 15 तारीख तक पिक्चर शुरू नहीं हुई, केवल कर्टन हटा है। 16 तारीख से सर अभी आप बता दूं इसी मीटिंग में कम से कम हमारे 50 सेल्स मास्टर बैठे हुए हैं। 50 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 16 तारीख वाले में देखिएगा सबके नाम के आगे SM लग जाएगा। क्या बात है क्या बात है, उन सभी को अभी से मेरी तरफ से मुबारकबाद सर, उन सभी लोगों के लिए मेरे दिल से मुबारकबाद। और जो भी नए साथी हैं या पुराने साथी हैं अदर कंपनी की हैं, हकीकत बताऊं दोस्तों तो ये 1 लाख की इनकम पर डे बनने में सर ना सदियां बीत जाती है, बनता नहीं है। और एटॉमी में बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो मैं कहूंगा सबसे कि आप अपना अनुभव नहीं, जो अनुभवी है उनका अनुभव लीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं अनम्यूट करूंगा सर हमारे मृत्युंजय जी ओडिशा से, आप सबसे पहले हैंड रेज किए थे सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलकम।
नहीं है सर। मनसाराम जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ललित पटेल जी मैं आपको भी अनम्यूट कर दे रहा हूँ। मनसाराम जी आपको अनम्यूट किया, ललित पटेल जी आपको भी अनम्यूट कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक एक करके सर, मनसाराम जी उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मेरे अपने मिस्टर राहुल राजेश सर हैं, और एक साल पहले और मेरे ग्रेट मनसाराम जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, साफ नहीं आ रही है। दोस्तों मैं आपको इसी मीटिंग के दौरान अभी एक गुड न्यूज दे दूं कि हमारे साथी अरुण मीना जी भी सेल्स मास्टर रैंक क्वालिफाई कर चुके हैं। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरुण मीना जी सर। मैं आपको एक बार अनम्यूट कर ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट जी जी, अनम्यूट कर रहा हूँ सर आपको। आवाज आ रही है? थैंक यू विकास जी, बिल्कुल सर मेरा भी वो हो चुका है। थैंक यू सभी लोगों को, टीम को सर, और जैसे विकास जी का है और बोलूं एक साइड तो बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ पे भी मेरा भी विकास जी की तरह हो चुका है, क्योंकि मैं और विकास जी बिल्कुल ऊपर नीचे जस्ट आइडिया हमारे दोनों लोगों। तो बहुत सभी पूरी टीम का शुक्रिया, और विकास जी आपका भी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग साथ में हैं और विकास जी ने सबको मतलब मुझे भी उतना ही मोटिवेट किया जैसे आप सबको किया होगा। तो मुझे भी बहुत धक्का दिया विकास जी ने, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तो मैंने भी बहुत लेट किया, लेकिन कहते हैं ना देर आए और दुरुस्त आए। अरे सर ये तो एटॉमी में गोल्डन वर्ड है, देर आए दुरुस्त आए, और एटॉमी के एमडी कहते हैं देर आऊंगा दुरुस्त आऊंगा। हाँ तो थैंक यू सर सभी लोगों को और पूरी टीम को, थैंक यू सर जी। थैंक यू मनसाराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही। ललित पटेल सर मैं आपको अनम्यूट किया हूँ। जी जी सर जी, अनम्यूट हूँ मैं सर। सर बहुत बहुत बधाई सर आपको, सबसे पहले तो कि फर्स्ट डे आपने सर सेल्स मास्टर अचीव किया था। और मैं सर अपना परिचय दे दूं, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और मेरे जो अपलाइन हैं ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश सतनामी जी, राहुल राजेश जी और विकास गौतम सर हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ। और सर मैं पहले जब एमवे में था 4 से 5 साल, उसके बाद सर मैंने लॉकडाउन के पीरियड में एटॉमी ज्वाइन किया था, और सर 3 से 4 महीने के अंदर करीब मेरी 800 की टीम तैयार हो गई थी। और सर उसमें सर आपका सबसे बहुत बड़ा योगदान था जब मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की, और आज सर जो आपने कहानी बताई अभी वो बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट की मुझे। और आशा है कि सर हम भी सेल्स मास्टर जो है 16 तारीख वाले, उसमें जैसा आपने बताया कि 50 सेल्स मास्टर बैठे हैं, तो मैं अपने आप को भी सर देख रहा हूँ उसमें। जो भी हमारे साथी बिहार से हैं, तो पहले तो अभी दिवाली आ गई और फिर छठ पूजा भी आ रही है 20 तारीख को, तो दोस्तों अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली प्लान करके रखिएगा, क्योंकि 16 से 30 वाली में फिर डिस्टर्ब नहीं होना। 20 आपके पास 10 दिन का समय रहेगा, क्योंकि बिहार में छठ पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो 20 तारीख से 10 तारीख में आपने सारी अचीवमेंट निकालनी। अजय जी मीटिंग में है सर, और बिहार से बहुत सारे साथी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बिजनेस का अपने। सर मैं अनम्यूट करता हूँ जी आई एम आकाश श्रीवास्तव जी। जी आई एम आकाश श्रीवास्तव जी अनम्यूट किया सर, नहीं हो रहा है शायद। हाँ सर, हाँ सर सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आकाश श्रीवास्तव। विकास सर आप खुद अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग की एक यूनिवर्सिटी हैं, और मेरी तकदीर है, और हम आप लोगों को बहुत बधाई देते हैं, खुशकिस्मत समझते हैं कि हम अरुण मीना सर, विकास पाठक सर, आप जैसे लोगों के साथ इस बिजनेस को थोड़ा ABCD सीखे, और अभी हम लोगों को बहुत बहुत आप लोगों से सीखना है सर, और अभी शुरुआत है। आप लोग पहले दिन शुरुआत में अपना इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट पाए सर, और अभी यहाँ वाकई इस मीटिंग में बैठे हुए ढेर सारे लोग आगे बढ़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अभी तक हमारे ग्रुप, अच्छा हमारे ग्रुप में जो लेडीज स्पीकर्स हैं, आप लोग मैम थोड़ा सामने आइए बात कीजिए, हमारी सारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं,
ग्रुप भी बहुत सारे उनके, आप लोगों को सामने से लीड लेना हो क्योंकि प्रोडक्ट सारे आपके मतलब का है अभी। तो मैं प्रीति सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। हेलो जी मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर कॉलिंग एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट डे सेल्स मास्टर बन गए एंड गॉड ब्लेस यू सर, आप जल्दी इंपीरियल मास्टर भी बन जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, अभी स्टडी में बीएससी कर रही हूँ और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ। एटोमी में जस्ट ज्वाइन हुए, मुझे 5-6 days हुए हैं और मुझे एटोमी में ज्वाइन करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। टोटली लाइफ चेंज हो गई है, ड्रीम्स गोल्स एवरीथिंग थिंकिंग एवरीथिंग चेंज हो गए मेरे। एंड मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ 16 को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए एंड यूज करने के लिए, दूसरों को रेकमेंड करने के लिए, एंड मेरी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी 16 को। एंड मैं 100% स्मार्ट वर्क बाय ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क करके और भी थिंग्स अचीव करूंगी एंड एटलीस्ट सेल्स मास्टर तो बन के रहूंगी विद इन लास्ट दिसंबर तक। वंडरफुल मैम, वंडरफुल, और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैम। आपको मतलब देखो, चीजें समझ में आ जाए वो एक चीज होती है, और कोई चीज जल्दी समझ में आ जाए वो अपने आप में बहुत बड़ी। अब आप देखिए मैम, आपका और हमारा, जैसे मैं बताऊं, मैंने पहले पढ़ाई की, फिर जॉब किया और फिर एटॉमिक कर रहा हूँ, और आप अभी से एटॉमिक कर रहे हो, तो आपको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके गोल्डन एज में मिल गई है इन ग्रेजुएशन। जब लोग सोचते हैं कि आगे क्या करना है, रेलवे की तैयारी करनी है, सिविल्स की तैयारी करनी है, या कहीं जॉब करनी है, और आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत सही स्टेज में मिल गई। बताए मैं आपको बताऊँ, हमारी टीम में एक अरविंद जी है, ही 17 years old, इस साल 12th का एग्जाम दिया है और वो जूम मीटिंग भी बहुत गजब की लेते हैं। उनकी 5000 प्लस लोगों का ग्रुप है और इस 16 वाले साइकिल में ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सेल्स मास्टर इन माय टीम। यंगेस्ट सेल्स मास्टर इन एटॉमी इज मिस्टर अरविंद जी फ्रॉम रांची रामनगर। तो अरविंद जी शायद अगर मीटिंग में भी होंगे तो अरविंद जी थोड़ा बताइए लोगों को कि आपकी अचीवमेंट क्या होने वाली है। 17 years के हो आप, और अभी जितने टी वाई ग्रुप है, ये टी वाई ग्रुप राहुल राजेश जी मनसाराम जी का है, इसमें 90% सारे के सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, और आप समझो ये कैसी गजब की अपॉर्चुनिटी में अपने लाइफ चेंज कर रहे हैं सर। मतलब इनके जो कोलीग्स होंगे जो इनकी बात नहीं मानेंगे, मतलब स्टूडेंट्स, ये अपना करियर सेट कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी जॉब की, सोचो। और मैं उनको, मेरे से बात करवाना ऐसे लोगों का कि भाई साहब जॉब करके वापस मैं वही काम कर रहा हूं जो ये लोग आज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत मैम, प्रीति मैम कांग्रेचुलेशन, और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैम, इट इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मनसाराम सर मेरे ग्रेटर प्लान है, गौतम सर भी है वो मनसाराम जी। हाँ मैं जानता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं से वो मनसाराम जी की टीम से होंगे। यस सर। जी जी मनसाराम जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, फिर मैं आपको एक चांस दूंगा। सुनील मोरे सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को सर। सर आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही सर। गुड मॉर्निंग सर सभी को, जैसे आपको सुनते हैं ना सर तो एक पूरा माहौल चेंज हो जाता है सर। जैसे हमारी आईडी लगी, हमारे जो ग्रेट अपलाइन राहुल राणा सर है, इनके माध्यम से जैसे आपका नंबर मिला, समय समय पे जब भी हम कभी डिस्कनेक्ट होते तो आपसे कॉल करके रिचार्ज करके, यानी कि खुद में कुछ तो भी बदलाव लाते हैं सर। तो ग्रेट सर, आपको एक एक सीढ़ी मुबारक है, और मेरी टीम को भी आपका मोटिवेशन ही मिलता रहे इसी तरह। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मुझे एक मैसेज आया है पर्सनली डायरेक्ट इंद्रलाल चकमा जी का, ये बांग्लादेश से ज्वाइन किए हुए इस मीटिंग। आप देख रहे हैं नेटवर्क कहाँ पहुंच गया है। इंद्रलाल जी, अगर आपको अनम्यूट करूं सर, आप बांग्लादेश हो शायद, मैं आपको एक चांस देना चाहूंगा, आपने पर्सनली मुझे मैसेज किया है। वाकई सर वंडरफुल, एक मिनट इंद्रलाल जी आपको मैं सुनना चाहूंगा, आपको अनम्यूट किया है सर इंद्रलाल जी। इंद्रलाल चकमा जी, आपने, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप जूम मीटिंग में शायद पहली बार आए हो, अनम्यूट हो सर, आप बात कीजिए। मोरे सर थैंक यू, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, थैंक यू। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार इंद्रलाल जी। तो मैं हूँ बांग्लादेश में, और
और मैं हिंदी बात समझता नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं बंगाली में बात कर सकता हूँ, बोलूँ सर, आमी बांग्लाटा बुझते पारी। ओ अच्छा अच्छा, तो ये गत दो दिन ना तीन दिन आगे एक ता मीटिंग हुई थी, वही मीटिंग में आमी जोग दिए थे, किंतु सब सुनते पाई नहीं, कारण वही आमार एप ता अपडेट देनी, तो इस जन्य आमी ওই মিটিংটা শুনতে ভালো করে শুনতে পাইনি, এই জন্য আজকে আজকে মিটিং এ জয়েন হয়ে এত ভালো লাগছে। যদি কেউ যদি কেউ বাংলা ভাষায় যদি ওই মিটিং এ যদি কেউ কিছু বলতে পারেন তাহলে আমার খুব ভালো হবে। না না আমি বলতে পারি স্যার, আর আপনি ওই তুমি সম্পর্কে একটু আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললে, আবার আমি বাংলাদেশে একটু বাংলাদেশ থেকে মেম্বার জয়েন করতে পারবো ওই এজন্য। একটু দাঁড়ান আপনি, আমি বলছি আপনাকে এই জুম মিটিং এর লিংক কে পাঠিয়েছিল? আমাকে নরেন্দ্র সিং স্যার পাঠিয়েছিল এজন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েল ডান স্যার, আপ নরেন্দ্র সিং জি কে টিম সে হো তো না? ঠিক আছে স্যার, খুব দারুণ স্যার, আপনি একটু একটু চেষ্টা করুন হিন্দি ভাষাটা বুঝবার, আর আপনাকে যা কোয়েরি থাকবে নরেন্দ্র সিং স্যার বাংলাতে আপনাকে হেল্প করবেন। ওকে ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। হ্যাঁ, ওই নরেন্দ্র সিং তো আমাকে বহুত বাংলায় কিছু কিছু ভিডিও পাঠিয়েছে, ওই ভিডিও দেখে আমি ওই WhatsApp গ্রুপের মাধ্যমে ওনার সাথে পরিচয় হয়েছে আর কি। আচ্ছা, খুব ভালো, খুব ভালো স্যার। যখন পরিচয় হয়েছে তখন আমাকে ওই এই 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 কোম্পানিতে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বলেছে ওই। ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে আমি আবার কানেক্ট করব স্যার। ওকে, এখন অনেক লোকরা আছে, থ্যাংক ইউ। আর দেখি দোস্তো, আমারা নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ মে পৌঁছ গিয়া হ্যায়, क्या खुशी की बात है, मतलब कंपनी अगर वहां अगली साल शुरू होती है, आप समझिए सर पूरा बांग्लादेश अपने पास है एक तरह से। ग्रेट 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 नरेंद्र सर, वेल डन। और ये यूट्यूब के माध्यम सोशल मीडिया का पहुंच है सर दोस्तों, और कुछ नहीं जी। सीमा बैराग्य मैम, राजा अंसारी सर मैं आपको इसके बाद अनम्यूट करूंगा। सीमा बैराग्य मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कांग्रेचुलेशंस सर, आप फर्स्ट डे अचीवर हैं, तो बहुत बांग्ला ही बोली? अरे मैम हिंदी में बोलिए। वो मेरा कंफर्ट जोन है ना, इसलिए कोई बात नहीं। तो एक तो आपकी जो अचीवमेंट है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप जैसे लीडर्स एटोमी की राह पे चलना शुरू किए थे, तब एटोमी की राह इतनी आसान नहीं थी, वो पगडंडी थी, तो ओबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हुए पत्थरों की ठोकर खाते हुए आप लोगों ने चलना स्टार्ट किया, और आज वो जो पगडंडी है वो हाईवे बन चुकी है हम लोगों के लिए, आप लोगों ने बनाया, बस हमें वो हाईवे पे अपनी गाड़ी चलानी है और मंजिल तक पहुंचना है। और ये जो जर्नी है आप जैसे लीडर्स ने हमारे लिए इजी बनाया, और एक बार फिर से बधाई सर आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अनम्यूट करना चाहूंगा रजा अंसारी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही विकास सर मेरी? विकास सर सुन पा रहे हैं मेरे को? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको फर्स्ट अचीवर, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं रजा अंसारी एमपी की सिंगरौली जिले से बिलोंग करता हूं। मैं बाय प्रोफेशन इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूं, जॉब के साथ में मैं एटॉमी में कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। विकास सर, अपने टीम की तरफ से आपको फर्स्ट सेल्स मास्टर अचीवर के लिए सर दिल से शुक्रिया करता हूँ सर, और यही दुआ करूंगा सर ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द हमारे आप ग्रेट अपलाइन हैं सर, और जल्द से जल्द इंपीरियल मास्टर बने सर, और हम लोग वो लाइव देखने के लिए बेताब हैं सर, जब आप साउथ कोरिया जाएं और वहां से आप क्राउन आपके सर पे पहनाया जाए सर, वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा इमेजिंग रहेगा सर।
सर जो आपने एक वो राह दिखाया अपन लोगों को और हमने आप लोग आपके बताए हुए रास्ते पे चला, विकास गौतम सर के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चला सर, आज बहुत अच्छी टीम हो चुकी है अपन लोगों की। सर हमारे टीम में बहुत एक से बढ़कर एक सुरमाया है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, एक दिन बहुत बड़ी अपन की भी टीम बनेगी सर, ये पूरा श्रेय आपको जाता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। और लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, हैंड रेस कर रखे हैं और बहुत सारी मीटिंग होगी है ना, और इस मीटिंग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। एक दो स्पीकर और ले लेता हूँ सर, फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं सर। एंड नाइन सर, बहुत रात हो गई है और जी दो तीन लोगों का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ खैर, और आपके मन की बात सर। एक तो हमारे लीडर, एक मिनट, सरोजा कुमार मलिक सर, यंगेस्ट टीम मेंबर इन माई टीम सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम सर टू एवरीबॉडी। सारे आपको सुन के आज हमारे दिल में बहुत खुशी हो रही है, ध्यान लगा के काम कर रहे। मैं सबके लिए बताता हूँ, मेरे नाम सरोज कुमार मलिक, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और जब से रिटायर्ड हूँ तब से नेटवर्क में बिजी रहता हूँ और नेटवर्क करते करते आज ये पोजीशन आया। मैं वही सोच रहा हूँ एटोनी इतना लेट से क्यों, जो भी है मेरा बेटा मेरा इंट्रोड्यूसर था, दो दिन तक झगड़ा किया मैं, क्यों ये काम कंपनी में कर रहा हूँ, मैं नेट सब कर रहा था तो बहुत कुछ हुआ झगड़ा, बट दो ही दिन के बाद में एक भी मिस नहीं करता, 24 आवर्स मेरा माइंड में मेरा दिल में एटोमी एटोमी एटोमी, एंड आप लोग का गाइडेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ, हमको भी सक्सेसफुल करने, आप पीछे पीछे हम जाएंगे। ओके सर, थैंक यू, लाइफ में जो पाए नहीं यहाँ पाने के लिए पूरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम के साथ में चल रहा हूँ। विषम सर का हाथ मेरे ऊपर है, उनका ब्लेसिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू। एनर्जी देखिए दोस्तों का जब, जी जी जी, हमारे साथ ही जितेंद्र यादव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। नहीं है क्या? ओके, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सर, कंग्रेचुलेशन विकास सर, एक बहुत ही जबरदस्त राह हम लोगों के लिए बनाने के लिए सर, जो आपके चले हुए कदमों पर कदम से कदम मिला के सर, अपना जिंदगी लाइफ है जो एटोमी को देने के लिए हम लोग संकल्पित है, और धीरे धीरे बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त टीम सर क्रिएट कर रहे हैं। और मैं जितेंद्र यादव वैशाली बिहार से सर, हमारे ग्रेट अपलाइन राजा अंसारी सर, मनोज सर, विकास गौतम सर, इतने बड़े बड़े गुरु लोगों के साथ है जो सर चलने के लिए संकल्पित है सर। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू, जबरदस्त, वेलकम सर, वेलकम। मैं परम कौर मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम वंडरफुल मैम, हाउ आर यू? I'm okay, thank you. First of all, आपको बहुत सारी बधाइयाँ, congratulations, कल सबसे पहले आप sales master बने हैं, so बहुत बहुत अरुण मीना सर जी को बहुत 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 जिम सर और एस कुमार सर की टीम से, I'm from UK, Birmingham से हूँ, and आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी देख के, पर I had the biggest motivation कि नहीं, I never done, मैंने कभी network marketing नहीं किया, but definitely I'm going to choose, this is my new career now. और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप, I was ready to talk, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आई एम चैलेंजिंग ऑल द मेन्स, वो मेन्स के लिए भी हैं और हमसे पहले उनके लिए, तो आप प्लीज वो यूज कीजिए और उनके बारे में जानिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ट्रस्ट मी, दे आर रियली 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 नाइस प्रोडक्ट्स, और आप यूज कीजिए। आप अपनी वाइफ से पहले, सिस्टर्स या मदर से पहले आप ऑर्डर डाले करेंगे कि हमें ये चाहिए, दिस आर नाइस। एंड अगर आप एक मेरा मैसेज पहुंचा सकें इब्राहिम सर के लिए, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट, मैं उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट वीक, मैंने भी उन्हें यही चैलेंज करना था अबाउट द डिलीवरी, डिलीवरी चार्जेस फर्स्ट वीक में या तो ना हो या कम हो कि लोग शॉपिंग कर सकें। सो थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट विशेस सबके लिए, सभी जल्दी से अपना अपना रैंक अचीव करें और ऑब्वियसली अब मुलाकात होती रहेगी,
सबसे सो थैंक यू टू एवरीवन थैंक यू मैम इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सेम हियर थैंक यू दोस्तों मीटिंग को एंड करते हैं और लास्ट में मेरी वाइफ बहुत देर से उनके फोन से मैं ये मीटिंग ले रहा हूं मैं चाहूंगा कि वो भी दो शब्द बोले बहुत देर से आसपास ही खड़ी हमारे साथ प्लीज वेलकम निशा जी हेलो एटॉमी फैमिली को बहुत बहुत नमस्कार और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली इन एडवांस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ग्रेट सपोर्ट एंड मैं सभी से ये कहना चाहूंगी बस एक ही चीज कि एटमी का जो कल्चर है उसमें एक कल्चर है शेयरिंग है ना तो हम लोगों को इस बिजनेस में बहुत लंबा चलना है तो हमारा साथ बहुत लंबा है तो हम भी शेयरिंग का कल्चर अपनी टीम में बना के चलें कुछ छोटी मोटी बातें ये लोगों का बिजनेस है ऊपर नीचे चलते रहेगा घर पे भी अगर हम रहते हैं साथ में तो कुछ ना कुछ बातें हो जाती है तो मैं सबसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हम सब लोग मिलके चले बहुत लंबा साथ है बहुत जगह मिलना है अभी हम जूम मीटिंग पे मिल रहे हैं कल के दिन एटमी के ट्रिप पे मिलेंगे और अरुण मीना जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी अपनी तरफ से और एक लास्ट चीज जैसे कि अभी स्वर्ण कौर मैम ने बोला कि आप लोग ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ब्यूटी या स्किन केयर प्रोडक्ट्स अभी आए हैं मार्केट में उसको भी यूज करिए रेकमेंड करिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ऑर्डर डेफिनेटली हर किसी को अपने लास्ट लेग तक एक ऑर्डर डेफिनेटली सबको लगाना चाहिए और जैसे कि विकास ने मेंशन किया कि कल इम्तियाज अली सर से बात हो रही थी तो उन्होंने हमें कॉल किया क्योंकि हैंगिल पार्क सर ने उनको बोला कि आप अपने जो भी लीडर से के साथ आपकी कभी कुछ बातचीत हो गई हो कुछ चैलेंजेस आपके रहे हो तो उनसे आप कॉल करके बात करो तो कितना अच्छा लगा कि कंपनी के चेयरमैन वहां से ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं सो विच मीन्स कि हमको भी सेम चीज अपनी टीम में पहुंचानी चाहिए और जैसा कल्चर हम बना के चलेंगे हमारी टीम में वही कल्चर आगे के लिए रहेगा अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है आई होप कि आगे की जर्नी भी हम सबके लिए बहुत अच्छी रहे थैंक यू सो मच और इस दिवाली आई विश कि आप लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हों थैंक यू निशा और दोस्तों इस मीटिंग को एंड करते हैं लास्ट कमेंट में यही देना चाहूंगा दोस्तों तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए पहला है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का जमाना गया हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क कर लो तो बहुत ही बेस्ट है नहीं तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है दूसरा पेशेंस इज द की कंसिस्टेंसी पेशेंस रखना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेथ भरोसा रखना भरोसा रखिए एटॉमी बहुत अच्छी कंपनी है और इंडिया में चार चांद लगने वाले हैं बहुत जबरदस्त होने वाला है थैंक यू एवरीबॉडी आई एम एंडिंग द मीटिंग ऑल द बेस्ट और 16 से 30 वाली में बहुत सारे जो मैंने 50 सेल्स मास्टर गिनाए हैं आप सब जान रहे हो कौन कौन सेल्स मास्टर हो ओके ज्यादा नहीं अपनी टीम में मैंने आज के कैलकुलेशन लगाया 25,000 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट कॉस्टिंग ओनली 3,600 रुपीज 3,600 इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस आप कैलकुलेशन लगा लो हम समझाते थे 1 रुपए में 5 पॉइंट वैल्यू से 10 पॉइंट वैल्यू ओके तो अगर आपको 3600 रुपए में 3,600 रुपीज में 25,000 पॉइंट वैल्यू मिल रहे हैं विथ डिलीवरी चार्जेस विथ GST ओके तो बहुत ही अच्छा है और आप आज के लिए काम मत करो कल को अगर एटॉमी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाली है और भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप की बात चल रही है अदर कंपनीज के साथ अगर वो एक बार दोस्तों शुरू हो गया ना तो यही प्रोडक्ट आपको आधे रेट में मिलेगा लेकिन आपको ये टीम नहीं मिलेगी ये टाइम नहीं मिलेगा आज टीम बना लो कल प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और आपको काम करने में एडेड एडवांटेज रहेगा आज हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है इसको कहते हैं किसी भी काम को शुरुआत से शुरू करने का फायदा इसको उठा लो गुड नाइट शब्बा खैर सत श्री अकाल और फिर जल्दी मिलेंगे ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं सर सभी को एक बार जिसके भी हैंड अप रह गए कोई बात नहीं है सर है ना फिर हम सब लोग बात करेंगे आपको अनम्यूट सबको मैं दे रहा हूं और एक एक करके आप लोग डिस्कनेक्ट कीजिए सर तो बोल दे भाई तो।
गुड नाइट विकास सर, गुड नाइट विकास सर, गुड नाइट विकास सर, गुड नाइट, बहुत बहुत बधाई हो, बाय बेटी, बाय राजा बेटा, बाय 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 विकास जी, बाय, बहुत बहुत बधाई हो विकास जी, सभी को बधाई हो, बधाई हो, बाय बाय बाय, थैंक यू सर, मेरे को अभी ऐसा लगा कि वेस्टीज कंपनी के चेयरमैन गौतम बाली जी आ गए क्या मीटिंग में एक लोगों की फोटो वैसे भी आई ऐसा लगा कि बाली जी है वो वेस्टीज के। सर मैं आप लोग अनम्यूट कर लूं, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए सर। विकास सर बहुत बहुत बधाई, विकास सर धन्यवाद, विकास सर संजय गुप्ता बोल रहा हूँ, जी 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 संजीव भाई संजय गुप्ता सर बोल रहा हूँ जबलपुर से, संजय गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इन एडवांस, मैंने हैंड रेज किया था लेकिन हमारा नंबर नहीं आया, मैंने हैंड रेज किया था आपने कहा सर कि बाली जी आ गए, हो सकता है अजय जी, यस यस हो सकता है, हो सकता है, हम लोग जो कारनामे करने वाले हैं 2000 मतलब 25 तक एक नंबर पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो अपने कंपनी में 2025 नहीं सर 2021 में 2021 में ओके सर। एक्चुअली इस मीटिंग के होस्ट है रितेश गुप्ता जी और वो मीटिंग एंड करेंगे तभी ये मीटिंग एंड होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई विकास जी, धन्यवाद, नमस्कार जी, नमस्कार अंतराम जी, आपका नेटवर्क आया, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, मैं एंड करता हूँ सर, ओके ओके, धन्यवाद दोस्तों, मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं सर, ओके।